गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चलिए बच्चों, तो यहाँ पे आप सभी लोग जो है लाइव आ चुके हैं और आई होप आप प्रॉपरली देख पा रहे होंगे सुन पा रहे होंगे सो एवरीबडी तो सही हो रही है आजकल मॉर्निंग सुबह जो शेड्यूल आपका मैंने बना के दिया था बाकी दिन का तो पता नहीं बाकी दिन का तो मैंने आपको बोला है कि अपने हिसाब से फॉलोअप करिए लेकिन मॉर्निंग में मैंने एक शेड्यूल दिया था आपको कि प्रॉपर जो है मेडिटेशन योगा या कुछ ना कुछ ऐसा एक घंटा ज़रूर करिए जिससे आपका एनर्जी जो है वो आपके रिफ़िल हो बॉडी में तो ऐसा ज़रूर कर रहे हो उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोग प्रॉपर इस चीज़ को फॉलो अप कर रहे होंगे ठीक है ना बाकी मैं तो कर रहा हूँ पूरा मज़ा उस चीज़ का मॉर्निंग आराम से एक दो घंटे कुछ नहीं तो एक दो घंटे नहीं तो मिनिमम एक घंटे जितना भी कर सकें उतना जरूर करें प्रॉपर बिल्कुल बिल्कुल चलिए ठीक है ना तो चलिए बच्चों उसी एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पे कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन कल हमने बात की थी बॉयलर्स के क्लासिफिकेशन और वाटर ट्यूब बॉयलर्स को लेके बॉयलर्स के क्लासिफिकेशन और वाटर ट्यूब बॉयलर्स को लेके आज हम बात करने वाले हैं फायर ट्यूब बॉयलर्स को लेके देखिए हमने कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस देखे थे कल जिस तरह के क्वेश्चंस देखे थे और और भी क्वेश्चंस ऐसे हैं वाटर ट्यूब बॉयलर से जनरली कहीं ना कहीं वर्किंग पूछी जाती है वर्किंग मतलब वहाँ पे जो है वो बॉयलर्स में क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा है मतलब इस वाले बॉयलर में ये चेंज है उसमें वो चेंज है तो वहाँ लगभग क्वेश्चन उन्हीं से आता है कि भैया किस में ड्रम है किस में बैंड ट्यूब्स है कितने एंगल की बैंड ट्यूब्स है क्यों बैंड ट्यूब यूज़ कर रहे हैं क्यों इसमें इंक्लाइन ट्यूब यूज़ कर रहे हैं इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं वहाँ पर लेकिन यहां पे अगर बात करें फायर ट्यूब बैलेट की तो फायर ट्यूब बलट्स में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन और फीचर्स पूछे जाते हैं क्योंकि वर्किंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सभी की एक जैसी वर्किंग है तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसके भी मेन मेन पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पे ले रहा हूं चलिए तो सबसे पहले मैं यहां पे ले रहा हूं दैट इज योर फायर ट्यूब बॉयलर द फर्स्ट फायर ट्यूब बॉयलर वी हैव इज योर लंका शायर बॉयलर फर्स्ट फायर ट्यूब बॉयलर वी हैव लंका शेयर बॉयलर लंकाशेयर बॉयलर ठीक है ना ये भी आपका पुराना बॉयलर है ठीक है जो आप बैबकॉक विलकॉक्स के साथ साथ ही देखते हो इस तरह के बॉयलर तो वहां पे अगर हम देखें तो यहां पे याद रखिए लंका शहर बॉयलर के कुछ खास कंस्ट्रक्शन फीचर्स आप ध्यान रखें पहले मैं हल्का डायग्राम से दिखाएता हूँ कि देखिए अब यहाँ पे क्या होना शहर बॉयलर एक फायर ट्यूब है तो मतलब यहाँ पे ट्यूब में जो है वो हॉट गैसेस फ्लो करनी चाहिए ठीक है ना ट्यूब में जो है वो हॉट गैसेस फ्लो करनी चाहिए और उसके आसपास वाटर रहना चाहिए तो यहाँ पे क्या होता है मेनली एक टैंक होता है बड़ा टैंक कुछ इस तरह का बड़ा टैंक होता है ठीक है ये टैंक जो होगा वो हमारा कंक्रीट पे टिका हुआ होगा तो कंक्रीट के स्ट्रक्चर पे ये फिक्स इस तरह से होता है ये टैंक ठीक है और इस टैंक पे जो है वो दो ट्यूब्स होती हैं अंदर इस तरह से टैंक पे जो है वो दो इस तरह की ट्यूब्स होती हैं इन ट्यूब्स में क्या है इन ट्यूब्स के थ्रू जो है वो हमारा हमारा फ्यूल जो है जो भी कोल हम यूज़ कर रहे हैं या कोई और फ्यूल तो जो भी हमारा फ्यूल है वो क्या होता है बर्न होता है वो हमारा बर्न होता है तो ट्यूब्स के अंदर ये फ्यूल बर्न होगा और हॉट गैसेस जो हैं वो यहां से निकलेंगी ठीक है ना तो हॉट गैसेस जो हैं वो यहां से निकलेंगी अब ये हॉट गैसेस थ्रू आउट दी ट्यूब चलेंगी क्योंकि ये तो मैं आपको सामने का व्यू दिखाया है इसका है ना लगभग फ्रंट व्यू समझ लो लेकिन अगर बात करेंगे लेकिन अगर बात करेंगे इधर भी वाली व्यू की तो एक्चुअल में ये कुछ इस तरह का होगा अगर मैं इसका साइड व्यू दिखाऊंगा तो साइड व्यू कुछ ऐसा होगा ये इस तरह का ठीक है ना ऐसा ओवर है टैंक जैसा तो इस तरह का टैंक जैसा होगा और यहाँ पे ये हमारा कंक्रीट जो है वो इसे पकड़े हुए है इस तरह से कंक्रीट के स्ट्रक्चर के अंदर एक टैंक सिंपल रखा हुआ है ठीक है ना ब्रिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए ठीक है तो यहाँ पे एक्चुअल में कुछ इस तरह का हुआ तो ये ट्यूब जो है अंदर वाली वो ट्यूब पूरे इसके सराउंडिंग इसके अंदर है ठीक है ना और इसके चारों तरफ क्या है इसके चारों तरफ जो है वो पानी है ट्यूब बिल्कुल बराबर साइज की होती है बच्चों मेरी शायद बराबर नहीं दिख रही है ट्यूब बिल्कुल बराबर साइज की ही होती है ठीक है मेरी ट्यूब में थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा आपको बट ट्यूब्स आर ऑफ इक्वल साइज ठीक है कुछ इस तरह से ठीक तो अब यहाँ पे समझ लीजिए बाकी उसमें जो वाटर है हमारा वो फिल रहता है लेकिन याद रखेगा टैंक को कभी भी पूरा पानी से भरेंगे नहीं क्योंकि अगर पूरा पानी से भरेंगे तो देर विल बी नो स्पेस लेफ्ट फॉर द स्टीम यहाँ पे स्टीम के लिए स्पेस नहीं बचेगा ठीक है ना तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखेगा ये लगभग आधा या आधे से थोड़ा सा ज्यादा जो है वो फिल रहता है तो लगभग जो है ये थोड़ी सी डाउन रहेंगी ठीक है एट द मिडल लेने में भी ये दिक्कत आती है कि अगर मिडल लेते हैं तो इससे ऊपर ये हल्का सा तो लगभग इतना कि ये ट्यूब्स जो हैं वो उसमें डिप रहे ठीक है तो, तो ट्यूब्स को थोड़ा सा नीचे और ले सकते हैं हम लोग तो ट्यूब जो हैं वो पानी में डिप रहे लगभग इतना फिल करेंगे इसे ठीक है ना पानी को क्योंकि पानी तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग में चाहिए ना पानी जो ट्यूब जो हैं वो पूरी पानी से सराउंडेड होनी चाहिए तो इसलिए पानी आपका लेवल जो रहेगा जिसमें दोनों ट्यूब डूब जाएँ इस तरह का पानी का लेवल रहेगा बस फिर उसके बाद क्या है जैसे ही ये हीटअप हुआ इसमें स्टीम बननी शुरू होगी ठीक है ना स्टीम बननी शुरू होगी इस तरह से और यहाँ पे जो है वो स्टीम कलेक्ट होनी ऊपर शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे भी बॉयलर ड्रम सेम उसी तरह का है ठीक है ना जहाँ पे स्टीम और वाटर का कलेक्शन हो रहा है और उसी बॉयलर ड्रम के अंदर से ही ट्यूब पास हो रही है जैसे कल हमने एक क्वेश्चन देखा था तो जिसमें आप लोगों ने ए आंसर किया था तो याद होगा उस क्वेश्चन में ऑप्शन यही था कि वाटर ट्यूब बॉयलर्स में जो है वो साइज छोटा रखा जाता है ठीक है ना क्योंकि उसमें जो है वो ट्यूब पास नहीं होती है तो लेकिन इनका साइज बड़ा होता है क्योंकि इनमें ट्यूब पास होती है तो इनके ड्रम्स के साइज़ जो है वो बड़े होते हैं क्योंकि इन्हीं में से फायर ट्यूब पास होनी है इन्हीं में स्टीम बननी है ठीक है ना वहां क्या है वहां अलग से एक ड्रम है जिसमें कलेक्ट हो रहा है बाकी जो व्यापारेशन हो रहा है वो अलग हो रहा है लेकिन यहाँ इसी में हो रहा है तो इस तरह का सिस्टम हमारा रहता है लेकिन इस पे जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आते हैं बच्चों वो मैं आपको बता दू देखिए यहाँ पे सिंपल कंस्ट्रक्शनल फीचर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको प्रॉपरली नोट करने पड़ेंगे दैट इज क्योंकि तो ये पेपर में आया भी है दैट इज इसकी डायमेंशन को लेके डायमेंशन को लेके मतलब आपको इसका डाया और लेंथ भी नोट करना होगा डाया और लेंथ भी नोट करना होगा तो याद रखिए जो सिलेंड्रिकल शेल होता है सिलेंड्रिकल शेल होता है वो लगभग अगर सिलेंड्रिकल शेल के डाया की बात करें तो ये लगभग होता है हमारा टू टू थ्री मीटर टू टू थ्री मीटर डाया ठीक है ना टू मीटर टू थ्री मीटर का आपका डाया होता है तो डाया याद दो से तीन मीटर का डाया ठीक है ना क्योंकि यही आपको आगे किसी और और के कंपेयर में में बताना भी हम बात करेंगे इस बारे में। और मीटर मीटर टू इसकी लेंथ होती है ठीक है मेन सिलेंड्रिकल शैली है बाकी साइज आपको कुछ नहीं पूछेगा मेन सिलेंड्रिकल शैली होता है तो दो से तीन मीटर इसका डाया और सात से नौ मीटर इसकी लेंथ होती है सिर्फ ये चीज आपको छोटी सी ध्यान रखनी है ठीक है ना बाकी लंका शहर बॉयलर की बात करें एक सेकंड बच्चों है जरा मैं इसको ऑन कर देता हूं ठीक है ना बाकी आप बात करें इसकी कैपेसिटी की तो ऑपरेटिंग प्रेशर इसका होता है ऑपरेटिंग प्रेशर इसका होता है तो एक तरह का वही है लो प्रेशर बॉयलर है ये लो प्रेशर बॉयलर है मतलब 15 बार के आसपास इसका प्रेशर रहता है 15 से 17 बार इसका प्रेशर रहता है और हमारा जो इवेपोरेटिंग कैपेसिटी है वो रहती है लगभग 9000 थाउजेंड के जी पर आर इवेपोरेटिंग कैपेसिटी जो होती है वो रहती है लगभग 9000 थाउजेंड के जी पर आर इसकी इवेपोरेटिंग कैपेसिटी होती है ठीक है और बाकी तो सेम सेम फीचर है कुछ जैसे नेचुरल सर्कुलेशन है है ना नेचुरल सर्कुलेशन है ये आप देख सकते हैं इसमें किसी अब ऑब्वियसली बात है पंप की जरूरत ही क्या है जब हमारा सिलेंडर में ही जो है शेल में ही हमारा हीट अप हो रहा है वेपरेट हो रहा है तो वाटर कहीं सर्कुलेट कराने की जरूरत ही नहीं है वाटर पाइप में होता है इसलिए सर्कुलेट कराना पड़ता है तो ये लगभग सारे नेचुरल सर्कुलेशन ही होते हैं ठीक है ना बाकी आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है फिक्स है कंक्रीट स्ट्रक्चर पे है तो कंक्रीट स्ट्रक्चर पे है तो इसका मतलब क्या है ये हमारा फिक्स है स्टेशनरी बॉयलर है स्टेशनरी बॉयलर है ठीक है बाकी एक चीज आप और देख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है फायर ट्यूब बॉयलर है ट्यूब्स के अंदर ही इंटरनली फायर हो रहा है तो दैट्स इज कॉल्ड इंटरनली फायड इंटरनली फायड ठीक है ना तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रहते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं ठीक है ना दिस इज इंटरनली फायड क्लियर है समझ आ गई बात बाकी तो जितने भी सेफ्टी वॉल्व सेफ्टी फीचर्स लग रहे हैं वो सब हम अलग से आपको बताएंगे ही तो पहले मेन मेन ये सारे पॉइंट लिखने बहुत जरूरी हैं ठीक है ना बाकी वो तो सब एसेसरीज माउंटिंग्स की बात एसेसरीज माउंटिंग में करेंगे और जनरली सेम टाइप के एसेसरीज माउंटिंग ही सभी में होती है बच्चों ठीक है ना जनरली सेम ही टाइप की एसेसरीज माउंटिंग जो है वो सभी में होती है कुछ अलग चीज़ नहीं है ठीक है ना ठीक है तो आपको ये नहीं पूछेगा कि इसमें क्या माउंटिंग लग रही है वो लगभग लगभग सभी की सेम है उसमें कोई अंतर नहीं है क्लियर है नाउ अब जिस तरह से आपने लंकाशहर बॉयलर को समझा है सेम इसी तरह से आप कॉर्निश बॉयलर को समझ सकते हैं ठीक है ना बाकी एक दो पॉइंट में इसमें और लिखा देता हूं जैसे इस बॉयलर में आपके लंकाशहर बॉयलर में हीटिंग सरफेस एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है हीटिंग सरफेस एरिया इज कंसिडरबली वेरी लार्ज मतलब इसको ऐसे लिख लो पॉइंट को क्योंकि कहीं पूछा जाएगा तो ऐसा ही पॉइंट पूछा जाएगा हीटिंग सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है ना मतलब कितना एरिया हीटअप हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम के कंपेयर में भाई इतने वॉल्यूम के कंपेयर में इतना एरिया जो है वो सिर्फ हीटिंग कर रहा है ठीक है ना तो पर यूनिट वॉल्यूम के कंपेयर में कितना सरफेस एरिया आपका हीट हो रहा है ये इसका बाकी कंपेयर में ज्यादा होता है तो ये कह सकते हैं इट्स हीटिंग सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इज लार्ज ठीक है ना और एक और इसकी खास बात एक और होती है ठीक है ना शहर बॉयलर जो है वो फ्लक्चुएटिंग लोड में भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है ठीक है ना उधर हमारा इधर जो है वो लो फ्लर भी इस चीज के लिए सही रहते हैं लेकिन याद रखिए ऑप्शन जब आएंगे तब का तब देखेंगे हम क्वेश्चन में जरूर लूंगा इसका लेकिन इसके भी एक पॉइंट याद रखेगा इट इज गुड इन फ्लक्चुएटिंग लोड ठीक है ना तो ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है पॉइंट तो ये भी लिख सकते हैं द बॉयलर कैन ईजिली हैंडल लिख लेता हूं मैं चलो बॉयलर कैन ईजीली हैंडल ठीक है फ्लक्चुएटिंग लोड मतलब क्या होता है बच्चों फ्लक्चुएटिंग लोड मतलब पावर से नहीं हाँ लंका शहर का फायर ट्यूब पूछता है बच्चों इसलिए मैंने लिखाया है जो लिखा रहा हूं देखो वो चांसेस पूछने के हैं ठीक है क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक्स में दिए हुए हैं उसके कारण ये नहीं है कि पेपर में आया हुआ है ज्यादा पेपर में अभी तक ज्यादा नहीं आया है लेकिन पूछने का चांस इसलिए है क्योंकि एक आध पेपर में इसलिए आया है क्योंकि बुक्स रिफ्रेशर्स में इसके साइज को लेके डिस्कशन हुआ है ठीक है ना तो रिफ्रेशर्स में दिया है एक दो बुकों में तो चांसेस पूरा है कोई मुश्किल नहीं है एक बार का दिमाग में रख लो बस दो से तीन मीटर और सात से नौ मीटर तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं अब ये नहीं है कि इसका देख लिया तो आप सबका याद कर रहे हैं बैठ के ढूंढ ढूंढ के इसका साइज क्या होता है उसका साइज वो ऐसे जबरदस्ती के क्वेश्चन मत बनाओ अपने ठीक है ना तो इसलिए कह रहा हूं जो बता रहा हूँ बस उतना चीजें याद रखो हैंडल दी लोड फ्लक्चुएटिंग अब ये लोड फ्लक्चुएटिंग से मतलब क्या है लोड फ्लक्चुएटिंग से मतलब पावर का नहीं है बच्चों लोड फ्लक्चुएटिंग से मतलब है रिक्वायरमेंट कि कभी आपको ज़्यादा स्टीम चाहिए कभी आपको कम स्टीम चाहिए इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर आपकी है लोड फ्लक्चुएट करता है स्टीम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा और कम होती है तो वो फ्लक्चुएशन जो है वो कौन संभाल पाएगा वहां पे बात हो रही है कि दिस बॉयलर कैन ईजिली हैंडल दी लोड फ्लक्चुएशन ठीक है ना तो उस लोड फ्लक्चुएशन को जो है ये बॉयलर ईजिली संभाल सकता है लोड फ्लक्चुएशन लिखो फ्लक्चुएशन ठीक है तो लोड फ्लक्चुएशन मतलब है ठीक मतलब है ना लोड फ्लक्चुएशन मतलब फ्लक्चुएटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टीम इससे यह मतलब समझिएगा आप कि स्टीम की रिक्वायरमेंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग है ठीक है ना तो इस तरह ये हमारे मेन मेन फीचर होंगे याद रखना है एक बार लिखोगे देखोगे अपने आप याद हो जाएगा मेनली ध्यान रखिएगा ठीक है, तो है? चलिए ना बाकी क्या होता है गैसेज जो है वो फ्लू पास ऐसे होती है उसके बाद इसके नीचे से निकल के हमारा नीचे एक होल बना रहता है वहां से निकल के तब वापस चिमनी की तरफ जाती है तो एक तरह से यहां पे एक से दो तीन राउंड लगा देती है हमारी फ्लू गैसेस क्लियर है चलिए नोट कर लिया हटा दू चलिए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पीडीएफ भी दो बच्चों अगर नोट्स में लिख, नोट्स लिखा भी दूंगा नोट्स की पीडीएफ भी दूंगा तुम लोग करोगे क्या लेटे लेटे पढ़ोगे चाहे तुम अगर आपको बेनिफिशियल नहीं लगता ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस ना देखें आप चैनल को ना देखें आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें लेकिन गलत चीज को प्रमोट नहीं कर सकता मैं कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपको सब कुछ दूंगा आपको कुछ नहीं करना बस पढ़ना है तो इतना बेसहारा मैंने आपको नहीं बनाना है लाइफ में ठीक है ना चाहे उसके लिए नुकसान भी हो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे कम होंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नोट्स के ऐसे बने बनाए नोट्स में कभी नहीं दूंगा कभी नहीं ठीक है ना क्योंकि कोई फायदा नहीं है फिर वो जीवन में क्या करना है आपने कुछ करना ही नहीं है फिर जिंदगी भर बस देख देख के पढ़ोगे ठीक है तो नोट्स बनाने की हैबिट खुद डालो समझ आई बात नो फायर टी बॉयलर समझ गया शहर अब इसी में आ जाइए आप नेक्स्ट कॉर्निश बॉयलर कॉर्निश बॉयलर सी ओ आर एन आई एस एच देखो कॉर्निश बॉयलर की जब हम बात करते हैं तो आपको सिर्फ लंका शहर बॉयलर से ही इसको याद रखना है ठीक है ना जब हम कॉर्निश बॉयलर की बात करते हैं तो आपको सिर्फ लंकाशायर बॉयलर से ही इसको मेनली याद रखना है क्योंकि कॉर्निश बॉयलर बॉयर लंकाशायर बॉयलर में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है वो है मतलब दो चीज का अंतर कह सकते हो वो है साइज का कि कॉर्निश बॉयलर का साइज जो है वो लंकाशायर बॉयलर से छोटा होता है और दूसरा अंतर है कि लंकाशायर बॉयलर में हमने दो ट्यूब्स बनाई हैं दो फायर ट्यूब बनाई हैं तो कॉर्निश बॉयलर में एक सिंगल फायर ट्यूब होती है बस ये मेन अंतर आपको ध्यान रखना है ठीक है ना और कोई अंतर नहीं है तो बेसिकली ये दो अंतर हम लोग लिखेंगे बस उसी के ऊपर क्वेश्चन यहां पे बनता है हमेशा ठीक है ना उसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो आपको वही क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सेम बाकी सब कुछ सेम है बाकी सब कुछ इसमें सेम है सिमिलर टू लंका शेयर बॉयलर लंका लंकाशेयर बॉयलर ठीक है सिमिलर टू लंकाशेयर बॉयलर विद टू मेन डिफरेंसेस विद टू मेन डिफरेंसेस दो मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या है पहला डिफरेंस है इट इज स्मॉल इन साइज स्मॉल इन साइज ये साइज में जो है वो लंका शहर बॉयलर से छोटा होता है अब यहां पे आपको इसका भी फिर साइज लिखना पड़ेगा क्योंकि अब कंपैरिजन है तो कहीं कहीं ना कही उसका साइज लिखा है तो इसका साइज भी लिखो तो सेम ही है लगभग साइज में बस थोड़ा सा कम कम कर दीजिए वहां क्या था डायमीटर आपने क्या लिया था वहां पे शेल का वहां पे शेल का डायमीटर आपने लिया था दो से तीन मीटर ठीक है ना वहां पर लिया था दो से तीन मीटर यहां कर दीजिए वन मीटर टू 1.75 मीटर ठीक है ना 1.25 तो लगभग तो लगभग आधा से थोड़ा सा ज्यादा तो 1.25 मीटर टू 1.75 मीटर वहां पे आपने लेंथ क्या ली थी सेवन टू नाइन मीटर है ना वहां पे लेंथ आपने ली थी सेवन टू नाइन मीटर यहां लिखेगा फोर मीटर टू सेवन मीटर फोर मीटर टू सेवन मीटर तो एक डिफरेंस तो हमारा सीधा सीधा ये हो गया कि वो साइज में छोटा है क्लियर है दूसरा डिफरेंस मेजर आ जाता है दूसरा मेजर डिफरेंस आ जाता है कि इट हैज ओनली वन फ्लू गैस ट्यूब ठीक है ना इट हैज ओनली इट हैज ओनली वन फ्लू गैस ट्यूब तो इसमें सिर्फ एक ही फ्लू गैस ट्यूब होगी एज कंपेयर अगर वहां देखें तो वहां दो फ्लू गैस ट्यूब थी तो बस इस वजह से जो है यहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है क्लियर है समझ आई बात तो ये छोटी सी चीज इससे होता क्या है अब यहां पे बात करें तो इससे क्या ऑब्वियस बात है अब कैपेसिटी वगैरह आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है ना इवेपरेटिंग कैपेसिटी प्रेशर तो ऑब्वियस बात है ये भी लो प्रेशर ही होगा लो प्रेशर ही होगा ये भी ठीक है बच्चो तो देखो प्रेशर रेंज आपको बहुत कम की पूछता है मैंने प्रेशर लगभग लिखाए हैं सबके लेकिन प्रेशर रेंज बहुत कम की पूछता है लेकिन प्रेशर कैटेगरी जरूर याद रखेगा कौन सा हाई प्रेशर में कौन सा लो प्रेशर में क्योंकि जब हम एक साथ इन्हें सारे लिख लेते हैं तो फिर ये कन्फ्यूजन हो जाता है ना तो जो भी आपने कल से अभी तक लिखा है उसमें लो प्रेशर हाई प्रेशर की कैटेगरी बना लीजिएगा तो वहां तो जैसे स्टार्टिंग का आपका सिर्फ एक ही लो प्रेशर में आ रहा था बाकी लगभग सभी हाई हाई प्रेशर प्रेशर थे कल वाले में वाटर में वाटर ट्यूब क्योंकि सब ही होते हैं जनरली इधर अगर बात करें तो इधर जो है यहाँ पे मैक्सिमम सब लो प्रेशर में ही आते हैं तो लो प्रेशर याद रखेगा तो लगभग वही ट्वेल्व टू फिफ्टीन बार के आसपास टेन टू फिफ्टीन बार के आसपास ये प्रेशर रहता है ठीक है टेन टू ट्वेल्व बार ही समझ लो बहुत ही कम रहता है ये प्रेशर ठीक है और अगर इवेपोरेटिंग कैपेसिटी की बात करें तो उसकी अभी नाइन थाउजेंड के जी पर आर लिखी थी उससे भी कम कर दो क्योंकि अब छोटा साइज हो गया तो कैपेसिटी भी कम हो गई ठीक है ना और ट्यूब भी एक कम हो गई इवेपोरेटिंग कैपेसिटी थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड के जी पर आर के आसपास इसकी इवेपोरेटिंग कैपेसिटी हो गई क्लियर है समझ समझिए बात तो इसका जो मेन है वो हाईलाइटेड पॉइंट सिर्फ ये दो हैं जो आपसे पूछ सकता है हर बॉयलर का बच्चों एक लगभग एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि भैया ये बॉयलर है तो इससे ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है ठीक है ना तो ये बॉयलर है तो वो वाला क्वेश्चन तो ये मेनली आपको चीजें ध्यान रखनी है जो मेन मेन क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं क्लियर है समझ गई बात समझ गई बात क्लियर है ठीक है ना तो ये बेसिक सी बातें आपको ध्यान रखनी है ठीक बस इसलिए इसको कंपैरिजन में रखेगा जैसे कल हमने एक सीरीज की तरह याद रखा है ना तो वो अगर स्टोरी दिमाग में रहेगी आप जब चाहे किसी को सुना सकते हो कि बैपकॉक बिलकॉक स्टर्लिंग स्टर्लिंग के बाद लॉन्ट लॉन्उ के बाद ये इंप्रूवमेंट लॉफलर लॉफलर के बाद ये इंप्रूवमेंट वेलॉक्स वेलॉक्स के बाद ये इंप्रूवमेंट बेंसन तो वो लाइन से एक स्टोरी बनी हुई है सेम आपको यहां पे भी ऐसे ही स्टोरी याद रखनी है कि पहला फायर ट्यूब हमारा शहर लंका शहर लंका से दो ट्यूब में से एक ट्यूब कर दिया साइड छोटा कर दिया तो कॉर्निश ठीक है ना इसीलिए मैं ऑर्डर भी वही रखा हूं ऐसा नहीं कि बीच से कुछ भी उठा लेंगे ठीक है ना तो यहाँ पे ऑर्डर भी हमारा यही है कि लंका अब उसके बाद हम दूसरा बात कर सकते हैं कोखरन बॉयलर क्लियर है समझ आ गई बात ठीक है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए यहाँ पे तो ऐसे बेसिक बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं ठीक है ना जनरली पेपर में अगर मैं बात करूं तो पेपर में बच्चों एक पेपर में इसका प्रेशर पूछा प्रेशर पूछा गया था शायद फ्रेश नहीं पेपर में नहीं पूछा गया था किसी बुक में था तो यार टेन पॉइंट फाइव बार दिया हुआ है ठीक है ना बुक के हिसाब से देखे तो टेन पॉइंट फाइव बार दिया तो इसलिए मैंने रेंज देखी है वहां पे कि दस से बारह के आसपास ये हो सकता है पूछा जाए समझ आई बात क्लियर है चलिए हम्म नहीं बच्चों डाया फ्लू ट्यूब का नहीं है डाया सिलेंड्रिकल शेल का हो होता है ये शेल का डाया होता है शेल का डाया होता है ये ट्यूब का डाया नहीं है वो ठीक है ना शेल का डाया होता है ठीक है हाँ बॉयलर आपके इस ये भी स्टेशनरी है ठीक है ना ये भी बॉयलर आपका स्टेशनरी बाकी सब पॉइंट सेम है जो पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंट यहाँ पे नहीं है आप लिख सकते हैं क्योंकि इतना तो हमें अभी समझ में आ ही रहा है ना कि भैया ये ब्रिक वाला ही है स्ट्रक्चर फिक्स तो ये स्टेशनरी है अभी तक हमने मूविंग और पोर्टेबल बॉयलर कोई नहीं देखा अभी तक हमारे जितने भी बॉयलर हैं, दे ऑल आर स्टेशनरी बॉयलर इसलिए स्टेशनरी की तो टेंशन लीजिए मत ठीक है ना दैट इज स्टेशनरी बॉयलर और बाकी यहां पे ये बॉयलर भी जो सेम है वो इंटरनली फायर्ड ही है है ना मतलब कॉमन सेंस के साथ पढ़िए मैं बता रहा हूं मेरे लेक्चर का सबसे ज्यादा फायदा उसी को होता है जिसके बनते रहते हैं, जी जी होते रहते हैं हैं होते बीच में एकदम से पढ़ोगे और फिर गायब हो जाओगे उसके कुछ इतना बेनिफिट होगा नहीं क्योंकि मैं रेफरेंसेज पॉइंट लेके ही चलता हूँ कि इस लेक्चर में वो रहा उस लेक्चर में ये था इस लेक्चर में ये था तो उससे क्या होता है कंप्लीट स्टडी बनती है हम लोगों की तो इंटरनली फायर्ड ही है हमारा स्टिल ठीक है ना है बॉयलर ही हॉरिजॉन्टल बॉयलर से बच्चों एक पॉइंट हमेशा आता है जहां पे भी मैं कहता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर है ठीक है ना जहां पे भी मैं कहता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर है या फिर मैं ये कहूं कि ये हमारा वर्टिकल बॉयलर है तो दोनों से कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है बफरिंग इधर तो नहीं हो रहा है बफरिंग ठीक है दोनों से कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है हमारा की हमारा जो बॉयलर है वो स्पेस ज्यादा ले रहा है कि स्पेस कम ले रहा है बात ये दोनों मतलब तो तो मतलब वर्टिकल तो वो कम स्पेस लेगा तो इस चीज को याद रखेगा तो यहां पे हम हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं तो ये जो है वो ज्यादा स्पेस लेगा एज कंपेयर टू वर्टिकल वाले के। जैसे हमारे बेंसन वेन्सन ये बॉयलर थे या हमारे लोको जो हमारा वो था थे ये सब वर्टिकल पोजिशन में लग रहे थे बट ये पावर प्लांट वाले हैं वैसे ही बड़े होते हैं क्योंकि इकोनोमाइजर दुनिया भर की चीजें इसमें है लेकिन इन सेंस में अगर हम आगे बात करेंगे अभी फायर ट्यूब में तो फायर ट्यूब में जो है वो ध्यान रखेगा कौन सा स्पेस ज्यादा ले रहा है कौन सा स्पेस कम क्योंकि यहां पे बड़ा कंपैरिजन पूछा जाता है इस चीज के बारे में ठीक है बिल्कुल ठीक है बच्चों नेट कनेक्टिविटी ठीक है समझ आगे बात ठीक है ना तो ये मेन मेन पॉइंट इसके ध्यान रखिए क्लियर है चलिए ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट रटके होंगे और प्लीज बच्चों इसका प्रैक्टिस करने का एक तरीका यही है जो अभी हम लास्ट में करेंगे तो मतलब लास्ट में वो आप इस तरह से जरूर करें तभी प्रैक्टिस हो सकती है ठीक है ना आप चाहते हैं कि जीवन भर ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंटली याद रहे ठीक है देखो डेटा हमेशा रिवाइज करना पड़ता है डेटा हमेशा रिवाइज करते रहना पड़ता है लेकिन जो मेन बैकबोन होती है कंसेप्ट की वो आपको हमेशा याद रखने पड़ते हैं रुक रुक के चल रहा है चलो कोई नहीं अभी फिलहाल ठीक है ठीक है होगा कुछ तो सब तो तो देखते हैं जो भी होगा पता नहीं क्या है आज मैं करता हूँ इसको रिसेट करता हूँ इस इंटरनेट को एक तो लेक्चर वही है ना कि चलो देखते हैं खैर जो भी है दिन का लेक्चर निकलने के बाद ही करूंगा उससे पहले कोई और बड़ी गड़बड़ हो गई ठीक नाउ अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट बॉयलर पे दैट इज कॉल्ड लोकोमोटिव बॉयलर दैट इज कॉल्ड लोकोमोटिव बॉयलर ये भी काफी प्रचलित बॉयलर रहा है लोकोमोटिव बॉयलर इसलिए रहा है प्रचलित क्योंकि ये इसने भी जो है वो जनरेशन चेंजेस लाया है चीज़ों को भले आज की डेट में ऑप्सलिट है लेकिन याद रखेगा लोकोमोटिव बॉयलर जो ट्रेन में यूज़ होने वाला बॉयलर जो है और मेरे हिसाब से शायद आप लोगों की जनरेशन ने इतना अच्छे से ना देखा हो लेकिन किसी ना किसी ने तो कहीं ना कहीं देखा होगा भी बहुत बड़ा दूरी भी नहीं आई है कि हमने लोकोमोटिव बॉयलर अभी कुछ ही समय पहले जो है वो रिप्लेस हुए हैं तो याद रखेगा लोकोमोटिव बॉयलर अगर आप लोगों ने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि लोकोमोटिव बॉयलर में क्या होता है एक बंच ऑफ ट्यूब्स होती हैं ठीक है ना इसका भी याद रखेगा सिस्टम कैसा होता है तो मैं डायग्राम एक एक से आपको करता हूं. एक शेल होता है इस तरह का एक ऐसा शेल होता है कुछ इस तरह का उसमें क्या होती है उसमें बंच ऑफ ट्यूब्स होती हैं ऐसे कई सारी ट्यूब्स होती हैं कुछ इस तरह की ऐसा तो अगर आपने किसी ने देखा हो कभी कि कैसा ये स्टीम इंजन हमारा ट्रेन का इंजन हुआ करता था तो ध्यान रखेगा ठीक है ना ठीक है हाँ नहीं तो मूवीज में तो देखा ही होगा बिल्कुल सही बात है मूवीज में तो सभी ने देखा होगा ठीक है ना तो इस तरह का बंच ऑफ ट्यूब है लेकिन मूवीज में इंटरनल पार्ट नहीं दिखाते ना तो यहां पे सिंपल तो इस तरह का इं... इस बंच ऑफ ट्यूब्स होता है और यहां पे एक क्या होता है कैबिनेट सा होता है यहां पे आपने देखा होगा एक कैबिनेट सा होता है जहां मूवी में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह का एक कैबिनेट सा होगा उसमें एक ऐसा होल सा होता है जिसमें आपने देखा होगा कि जब डाकू पीछे पड़ जाते थे तो, तो क्या करते थे यहां से कोयला भर-भर के डालते रहते थे कि और तेज और तेज और तेज, और तेज है ना तो यही सेम चीज तो यहां पे जो कोल रहता है हमारा फ्यूल रहता है इस फ्यूल को हम इसमें अंदर डालते रहते हैं ये जो फ्यूल है हमारा ये फ्यूल को अंदर हम डालते रहते हैं और फ्यूल जो है वो यहां बर्न होता रहता है ठीक है ना फ्यूल जो है वो यहां बर्न होता रहता है इस तरह से ठीक है ना तो इस तरह का कुछ सीन आपने देखा होगा ठीक है ना तो बस इसी चीज को इमेजिन कर लीजिए ठीक है ना समझ आ रही बात इस चीज को तो ऐसा कुछ यहां पे ऐसा बर्न होता रहेगा तो क्या होता है इन ट्यूब्स के थ्रू भाई इस बाकी पूरा टैंक जो है वो पानी से फिल रहता है बाकी पूरा टैंक जो बस गदर से बाहर आ जाओ अब ठीक है एक रेफरेंस लेना था कि हाँ देखा है बस बात खत्म ये नहीं कि अब पिक्चर में ही चले जाओ अब धीरे धीरे उसके डायलॉग शुरू कर दो कि तुम फिर यहां पे अशरफ अली को भी बिठा दो तो ये सब नहीं करना है तुरंत वापस आ जाओ क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हॉट गैसेस निकल रही हैं हॉट गैसेस से क्या है कि ट्यूब में जा रही हैं और पूरा टैंक जो शेल होता है हमारा वो शेल जो है वो पानी से भरा हुआ होता है अंदर जो पूरा शेल है वो पानी से भरा हुआ है जो बस ये ट्यूब जो है इनमें गैसेस गैसेस जा रही है हॉट गैसेज इनमें जा रही है समझ आ रही बात तो इस तरह से जो ट्यूब्स हैं उनमें हॉट गैसेस जा रही होती हैं और हॉट गैसेस यहां से पास होके किसी तरह से जो चिमनी है वहां से बाहर आ जाती हैं तो हॉट गैसेस जो हैं वो ऐसे यहां से बाहर आ जाएंगी इस तरह का आपको दिखाई देता है ठीक है मेरी ट्रेन थोड़ी आगे निकल गई क्लियर है तो, तो आप देख सकते हैं ठीक है ना इतना समझ सकते हैं ना अगर इंजन ना भी दिखाई दे चलेगा थोड़ा इधर बना लेता हूँ पीछे कर लेता हूँ शेल को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं ताकि आपको फ्रंट फेज जो मैं बना रहा था वो दिखाई दे ठीक है तो कुछ इस तरह का हुआ ऐसा सिस्टम कुछ तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो भी हॉट गैसेस हैं वो आखिरी में यहां से सब बाहर आ जाती हैं ठीक है इस तरह से पास होके इस पूरे से पास होके भरा रहती हैं। अब इस पूरे को जो टैंक को है वो पानी से भरा रहता है पूरा टैंक जो है वो ऐसा पानी से भरा रहता है ठीक है ना पूरा टैंक पानी से भरा रहता है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हॉट गैसेस जाती हैं और ये टैंक जो है पानी से भरा रहता है और इसके ऊपर भी सेम उसी तरह से इसके ऊपर भी जो है वो स्टीम का कलेक्शन होना शुरू हो जाता है इसके ऊपर भी जो है वो स्टीम का कलेक्शन होना शुरू हो जाता है अब ये स्टीम क्या करती है ये स्टीम एक स्टीम आउटलेट से बाहर चले जाएगी तो सेम ये स्टीम जो है वो एक स्टीम आउटलेट से बात थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूं बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक्चुअली ऐसा होता है ठीक है ना फंक्शन ही ऐसा होता है बाकी मॉडल वॉडल तो डिफरेंट होंगे देखो ठीक है ना तो यहां से ये स्टीम मान लीजिए कुछ यहां से बाहर ऐसे आ गई तो मैं प्रॉपर यहां से ले लो कहीं से भी ले लो बीच से बाहर तो यहां से कहीं इधर ही कहीं से आउटलेट होता है साइड से ठीक है तो बीच से नहीं लेकिन साइड से यहां से मैं बाहर ले लेता हूं तो इस तरह से साइड से यहां अंदर से ये बाहर आ गया ठीक है तो ये चीज़ इसके बाहर की तरफ है ठीक है ये चीज जो है वो इस शेल के बाहर की तरफ से पाइप से बाहर आ रहा है बस अब यहां से चली जाएगी हमारी बाकी बीच में वॉल्व वगैरह सब कुछ लगी होंगी अब ये चले जाएगी हमारी यहाँ से किस में हमारे रेसिपोकेटिंग सिस्टम में रेसिपोकेटिंग इंजन सिस्टम में एज अ फ्यूल जो है ये स्टीम चले जाएगी तो एक रफ डायग्राम समझने के लिए है कि स्टीम जो है यहाँ से निकली और यहां से निकल के सीधा एक यहाँ पे चली गई अब ये स्टीम जो है वो हमारे रेसिपोकेटिंग सिस्टम को यहां से पुश करेगी ठीक है ना पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जहां पे ये स्टीम जो है हमारे इस तरह से पुश करेगी ये पुश करेगी तो आगे हमारा जो कनेक्टिंग रॉड है वो इस तरह से व्हील है उस व्हील को कनेक्टिंग रॉड को पुश करेगा कनेक्टिंग रॉड को पुश करेगा तो हमारा व्हील जो है वो इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा तो ये कुछ हमारा होता है बाकी उसके बाद कपलिंग रॉड लगी होगी कपलिंग रॉड से दूसरा व्हील चलेगा ठीक है ना कपलिंग रॉड से हमारा दूसरा व्हील चलेगा फिर उसके कपलिंग रॉड से तीसरा व्हील चलेगा इस तरह से तो हमारे फिर ट्रेलिंग व्हील्स होंगे ठीक है ना तो इस तरह का हमारे सिस्टम से ये सिंपल लोकोमोटिव हमारा क्या काम करता है समझ आ रही बात समझ आ रही बात ठीक है ना तो अब इसके भी जो मेन पॉइंट है वो आप यही लिख सकते हैं सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है इट इज अ मोबाइल मोबाइल बॉयलर है ना ये एक मूविंग बॉयलर है ठीक है ना तो मोबाइल मतलब मूविंग

टिंग कैपेसिटी इसकी जनरली ट्वेंटी टर्न टू फोर्टी टर्न होती है ठीक है ना तो बीस से चालीस टर्न पर आर इसकी इवेपोरेटिंग कैपेसिटी होती है और प्रेशर जो है ऑपरेटिंग प्रेशर वो भी जो है लगभग ट्वेंटी बार के आसपास रहता है ट्वेंटी बार के आसपास रहता है तो प्रॉपर सारे पॉइंट नोट करेगा बच्चों ठीक है ना और बाकी सभी को पता है एप्लीकेशन जो है इसका वो है हमारा यूज इन लोकोमोटिव इंजन लोकोमोटिव इंजन बाकी है ये भी एक तरह का हॉरिजॉन्टल बॉयलर ही ठीक है ना शेल जो है वो हॉरिजॉन्टल शैली ही है ठीक है तो वो चीजों में तो सेम ही है बस मेन याद रखिए सिर्फ ठीक है ना क्लियर है समझ गई बात तो ये मेन बात रखनी है बात अगर मैंने क्वेश्चन में कोई हाईलाइट करा हो क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कि क्वेश्चन कोई हाईलाइट होगा तो मैं इससे बता देता हूँ आपको अलग जो मैंने नहीं जिक्र किया हो ठीक है और कभी कभी हो सकता है बच्चों आपको इवापोरेटिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम दिखाई दे तो उससे कंफ्यूज मत होना वो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से क्योंकि इसका साइज वेरी कर सकता है साइज इसके यूसेज के हिसाब से वेरी करता था तो इसीलिए कभी कभी किसी किसी बुक में ये 60 से 70 केजी पर आर भी दिया होगा लेकिन 60 से 70 केजी पर आर का मतलब है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से तो चाहे तो आप लिख सकते हैं ठीक है ना क्योंकि ये मैंने नोट करा हुआ है ये पॉइंट कि इवापोरेटिंग कैपेसिटी में कंफ्यूजन हो तो याद रखिए इवापोरेटिंग कैपेसिटी आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा यह चीज कि 60 के जी पर आर या 62, टू सेवेंटी के जी पर आवर भी दिया है क्योंकि यह जो मैंने ट्वेंटी फोर्टी बताया स्टैंडर्ड है कि इतना हाई तक चले जाता है ठीक है ना ऑपरेटिंग कैपेसिटी लेकिन यहां पे 60 टू सेवेंटी के जी पर आर अगर कहीं दिया है तो वो दिया होगा पर स्क्वायर मीटर ऑफ हीटिंग सरफेस ठीक है ना तो मतलब एक स्क्वायर मीटर के हीटिंग सरफेस के हिसाब से एक मीटर स्क्वायर का अगर सरफेस एरिया है तो उसके हिसाब से इतना स्टीम जो है मिल जाएगा ठीक है ना तो ऐसे ही हमारे कितने मीटर स्क्वायर हैं तो अगर हमारा थाउजेंड मीटर स्क्वायर है तो सिक्सटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड हो जाएगा वो तो बहुत ज्यादा हो गया अगर हमारा समझ लीजिए फाइव करीब फाइव हंड्रेड के आसपास है तो थर्टी टू फोर्टी लगभग हो जाएगा तो तब ये चीज कह रहा हूं मैं तो इसलिए याद रखेगा के पर स्क्वायर मीटर ऑफ हीटिंग सरफेस एरिया हीटिंग सरफेस एरिया कभी कभी ऐसा भी दिया हो सकता है इवेपोरेटिंग कैपेसिटी तो इसका जनरली यही दिया रहता है तो फिर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हमने कहीं पर तो टर्म्स में देखा है मतलब हमने हजार में देखा है और कहीं कहीं पर सिर्फ सिक्सटी सेवेंटी है तो जहां पे सिर्फ सिक्सटी सेवेंटी है ठीक है ना जहां पे सिर्फ सिक्सटी सेवेंटी है वहां पर आपको यह चीज देखने को मिलेगी क्लियर है समझ आगे बात ठीक है ठीक तो ये मेन मेन पॉइंट आप नोट कर सकते हैं इसके जो आपको ध्यान रखने हैं और प्रेशर भी वही है ट्वेंटी बार मैंने बताया तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव बार इसकी लगभग रेंज रहती है ठीक है ना ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव बार रेंज आप लिख सकते हैं रेंज लिखने में थोड़ा फायदा रहता है एक फ्लेक्सीबिलिटी बनी रहती है ठीक है ना नंबर ऑफ ट्यूज बच्चों कुछ फिक्स नहीं है नंबर ऑफ ट्यूज तब तक फिक्स नहीं होगी जब तक इसका डाया फिक्स नहीं होगा जब डाया फिक्स नहीं, नहीं है तो नंबर ऑफ ट्यूज भी फिक्स नहीं है यहाँ पे ठीक है ना बाकी ये है कि कहीं पर आपको कोई डेटा दिखता है तो आप कर सकते हैं मेरे पास कोई डेटा इस चीज को लेके नहीं है क्लियर है देखो जो डेटा प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स दे सकती हैं मैं वही डेटा आपको बताऊंगा वेबसाइट्स के डेटा नहीं लिख सकते हम वेबसाइट्स मान लीजिए कोई पुराना इंजन के स्पेसिफिकेशन दिया है तो वो तो किसी एक का हुआ ना या कोई कंपनी इसलिए जब आप इंटरनेट से भी कोई डेटा निकालते हैं तो डेटा निकालिए किसी कंपनी का डेटा तो नहीं है क्योंकि अगर किसी कंपनी का डेटा है तो वो ऑथेंटिक डेटा नहीं हुआ या वो जनरलाइज डेटा नहीं हुआ डेटा वही सही रहता है जो टेक्स्ट बुक्स कहती हैं क्लियर है इसलिए लेंथ डाया को लेके यहां पे मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है अगर डेटा अवेलेबल होगा तो मैं बता दूंगा तो अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है किसी क्वेश्चन के थ्रू डेटा मिलता है तो भी बता दूंगा तो क्वेश्चन के थ्रू मिलेगा तो क्वेश्चन के थ्रू ले लेंगे ठीक है क्योंकि हम नोट्स में ऐसी कोई चीज ना लिखें जो जनरलाइज नहीं है मतलब जो किसी कंडीशन में ही आंसर करना है आपको तो ऐसी चीज नोट्स में नहीं लिखी जाती है ठीक है ना तो आप इन जनरल यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिलेटेड इधर उधर दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक्स में वो मैं आपको बता दे रहा हूं क्लियर है समझ आ गई बात चलिए नाउ दिस इज अवर लोकोमोटिव बॉयलर नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट बॉयलर दैट इज कोखरन बॉयलर अब कोखरन बॉयलर जो है वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है अब उसका भी जो क्वेश्चन है वो फिक्स है क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी यहां पे बात कर लेते हैं कोखरन बॉयलर तो याद रखेगा कोखरन बॉयलर ठीक है और सबसे आसान है अगर आपको वैसे तो क्वेश्चन में होगा तो मैं ले लूंगा कहीं पर भी साइज लोकोमोटिव का भी क्योंकि लोकोमोटिव का साइज जो है अगर हम ट्रेन के हिसाब से बोले ये सभी जो नॉर्मली यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड जरूर होगा तो मैं आपको दिन वाले सेशन में ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो ठीक है ना ठीक है तो टेंशन ना लो बच्चों मैं मैंने कई बार बोला है आपस आप में एक दूसरे के कमेंट के जवाब मत दीजिए मैं बता रहा हूं इस तरह की हरकत करोगे तो जो जवाब दे रहा है उसको भी मैं ब्लॉक करूंगा ठीक है ना आप लोग इस तरह के कमेंट की जवाब आपस में मत दीजिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आपको किसी के कमेंट से कुछ आपत्ति है तो आप उसको आराम से अपनी चैट से हाइड कर सकते हैं वो आपको दोबारा अपनी आपकी चैट में नहीं दिखाई देगा सेम मैं भी करता हूं अगर मैं आपके हर कमेंट के यहाँ जवाब देने लग जाऊंगा तो फिर लेक्चर वैक्चर तो कुछ नहीं होनेगा सेम आपका भी ध्यान लेक्चर्स में नहीं लगेगा तो डू नॉट ठीक है ना तो मैं भी कोशिश अवॉइड करने की करता हूँ कि जिसका जवाब देना है वो चीज़ बाकी चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कोखरन बॉयलर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो ये है कि कोखरन बॉयलर जो है सबसे पहली बात ये एक वर्टिकल बॉयलर है सबसे पहली बात ये एक वर्टिकल बॉयलर है ठीक है तो वर्टिकल बॉयलर है तो हम यह कह सकते हैं कि आ, फायर ट्यूब के अदर बॉयलर के कंपेयर में ठीक है ना अदर फायर ट्यूब बॉयर के कंपेयर में यह जो बॉयलर है यह हमारा लेस स्पेस लेता है ठीक है ना रिक्वायर्ड लेस स्पेस ठीक है तो हमारा उसके कंपेयर में स्मॉल साइज लेस स्पेस लेता है दूसरा हमारा जो है वो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में काफी ये यूज होता है यूज इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज मैंने बताया था आपको प्रोसेस इंडस्ट्रीज में मतलब हो गया कि आप इसे ऑन साइट मतलब जहां पे पे साइट है वहां पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं अब यहां पे याद रखिए को मतलब स्टेब्लिश कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं कोखरन बॉयलर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक पेपर में वो हमेशा यही है कि यहां पे आपको एक बेसिक सी चीज पूछी जाती है कि कौन सा ऐसा बॉयलर है जिसका शेल जो है वो हैमिस्फेरिकल शेल या स्फेरिकल शेल होता है टॉप से या डोम शेप कह सकते हैं तो याद रखेगा शेल जो होता है वो इसका डोम शेप होता है डोम शेप्ड होता है ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में एक दो साल पहले भी आ चुका है कि किस बॉयलर का शेप जो है टॉप से डोम शेप होता है या फिर कौन सा बॉयलर जो है वो हेमिसफेरिकल टॉप होता है ठीक है ना तो कुछ इस तरह का ये बॉयलर हमें देखने को मिलता है जिसका सरफेस जो है वो टॉप से कुछ इस तरह का होता है ठीक है कुछ ऐसा ठीक है ना बाकी सब कुछ इसमें भी सेम आपका जो है कंबशन अंदर ही होगा ठीक है ना और इसी कंबशन के थ्रू जो है ये आपका कंबशन चैंबर हुआ यहां पे फायर हीटअप हो रहा है ठीक है यहीं से जो है आपकी ट्यूब में जो है हॉट गैसेस जाएंगी और यहीं पर जो है वो मल्टी ट्यूब्स लगी होंगी ठीक है ना जैसे लगी हैं बाकी में भी इस तरह से ऐसा यहां पर भी जो है ऐसा ट्यूब जो है वो अटैच होंगी इस तरह की मल्टी ट्यूब समझ लीजिए मैं एक साथ बना दे रहा हूँ ठीक है इस तरह से ट्यूब अटैच होंगी और बाकी जो है वो वाटर से फिल होगा बाकी जो है आपका वो वाटर से फिल होगा ठीक है ना डोम शेप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है बच्चों डोम शेप का बेनिफिट होता है आपका प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर लगाने के लिए किसी भी चीज में अगर मैं कोई कॉर्नर्स वगैरह दूंगा तो जो स्टीम का प्रेशर है वो कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा होगा लेकिन आपको पता है कि प्रेशर फ्लूड का प्रेशर हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस होता है तो बाकियों में तो शेल है तो अपने आप ही स्पेरिकल बन गया है ना बाकियों में शेल यूज कर रहे हैं सिलेंड्रिकल तो अपने आप ही जो है वो स्ट्रेस इस तरह से ही लग रहा है सब जगह है ना ऐसे ही लगेगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अपने आप ही हो रहा है तो जिनमें भी हम ऐसा ड्रम्स का यूज कर रहे हैं तभी तो ड्रम इसी शेप के बना रहे हैं ना वही रीजन है जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रेशर वेसल्स है कि प्रेशर वेसल्स की शेप हम ऐसी क्यों बना रहे हैं क्यों हम रेक्टेंगुलर प्रेशर वेसल नहीं ले रहे हैं हम कहीं पर कोई क्यूबेड तो नहीं ले रहे हैं ना वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस कंसेंट्रेशन डिफरेंट हो जाएगा स्ट्रेस कंसेंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा इक्वल नहीं रहेगा चारों तरफ तो यहाँ पे हम चाहते हैं इक्वल रहे तो यहाँ पे ऐसे ही लिया है ऐसे ही सेम इसको भी क्या है इसको भी हम क्या करेंगे टॉप से चारों तरफ प्रेशर जो है वो बराबर बना रहेगा उसके लिए हम लोग जो है वो इस तरह का डोम शेप लेते हैं जो बेटर शेप होता है क्लियर है समझ आए ना तो क्योंकि इसको है ना हमने इसमें चेंज क्या किया जो बनाने वाले ने इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया यही तो मॉडिफिकेशन किया कि भाई मुझे हॉरिजॉन्टल स्पेस को ना करके वर्टिकल स्पेस को यूज करना है अब वर्टिकल स्पेस को वो सिलेंड्रिकल कैसे करता तो उसने ऊपर से सिलेंड्रिकल कर लिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो ऐसा चारों तरफ सिलेंड्रिकल हो ही जाता दिस इज द मेन रीजन ठीक है ना तो ये हमारा मेन रीजन है क्लियर है ठीक है प्रोसेस इंडस्ट्री में किसी को कंफ्यूजन प्रोसेस इंडस्ट्री होती है जहां जैसे प्रोसेस इंडस्ट्री मतलब कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री में जैसे कोई स्पेशली प्रोसेस के लिए बॉयलर लगाना है कि भाई यहाँ पे कुछ हमारा ड्राइंग होनी है यहाँ पे कुछ हमारा जो है वो स्टीम उस चीज पे पड़नी है तो उसके लिए कोई बॉयलर इंस्टॉल किया जा रहा है तो वो प्रोसेस इंडस्ट्री होती है कि मतलब पर्टिकुलरली किसी प्रोसेस के लिए बॉयलर को इंस्टॉल किया जा रहा है वो पावर जनरेशन नहीं हो रहा है उससे ठीक है ना तो यहाँ पे ये यह चीज मेनली ध्यान रखेगा तो दिस इज अवर कोखरन बॉयलर अगर हम कोखरन बॉयलर की भी मेन स्पेसिफिकेशन देखें तो हमारे पास क्या है इवेपोरेटिंग कैपेसिटी जो है इसकी ठीक है बाकी ये सब वही है यहां पे आपका वाटर जो है वो फिल है वाटर फिल है ट्यूब्स के बीच में सारा टैंक वाटर से भरा हुआ हो होगा ये और इधर जो है स्टीम कलेक्ट होती जा रही होगी बाकी इसमें भी सेम वही है आपकी सेफ्टी बॉल्ब वगैरह ये सब ऊपर लगी होंगी ठीक है ना ये तो बिल्कुल प्रेशर कुकर जैसा ही हो गया तो सेफ्टी बल्ब वगैरह आपके सब लगी होंगी इसका जो मेन होल होता है मैन होल जीसे बोलते हैं अंदर मेंटेनेंस वगैरह के लिए वो यहां पे होता है तो जिससे आप अंदर जो है इवेपोरेटिंग इस कैपेसिटी इसकी लगभग होती है कमी होती है इवेपोरेटिंग कैपेसिटी जो है वो होती है लगभग थर्टी सिक्स हंड्रेड के जी पर आर ठीक है ना तो बहुत लो इवेपोरेटिंग कैपेसिटी है इसकी ठीक है लो प्रेशर ही होता है ये भी लो प्रेशर ही होता है लगभग 11 से 12 बार के आसपास इसका प्रेशर होता है ठीक है ना बाकी नेचुरल सर्कुलेशन तो देखो सारे अगर मैंने किसी में नहीं भी लिखा है फायर ट्यूब में तो आप ऑटोमेटिकली लिख दें कि इट इज ए नेचुरली सर्कुलेटेड तो नेचुरल सर्कुलेटेड ये सारे हैं ठीक है ना तो ये चीज याद रखेगा नेचुरल सर्कुलेशन अगर मैं नहीं भी लिख रहा हूँ किसी फायर ट्यूब में आप ऑटोमेटिकली लिख दें इनमें किसी में भी पंप का हमने कोई यूज नहीं किया है तो नेचुरल सर्कुलेशन चाहे आप अपना कॉर्निश हो लोकोमोटिव हो क्योंकि लंका शहर में तो मैंने लिखाया था लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हैं used in, used in process industry, जिसने नहीं दिख रहा है यूज इन प्रोसेस इंडस्ट्री ठीक है ना तो ये हमें याद रखना है दिस इज अवर कोखरन बॉयलर ठीक है कोखरन बॉयलर की भी अगर कोई मेन पॉइंट देखें तो आप लिख सकते हो जैसे मैंने बोला है इसको मेनली क्वेश्चन यही पेपर में आया है हमेशा डोम शेप अलग अलग नाम से होता है डोम शेप्ड हेम स्पेरिकल टॉप या स्फेरिकल क्राउन भी बोलते हैं स्फेरिकल क्राउन भी बोलते हैं क्राउन मतलब ताज टाइप ना तो स्पेरिकल क्राउन भी बोलते हैं इसे ठीक है ना तो ये सभी पॉइंट जो है हमें देखने को मिलते हैं ठीक है क्योंकि मैं हाईलाइट कर लेता हूं अगर किसी क्वेश्चन में भी कोई पॉइंट हो जो पूछा गया हो उसको हाईलाइट कर लेते हैं ठीक है ना समझ आई बात तो यहां पे भी यही है कि स्पेरिकल शेप हमने बताया रीजन कि सबसे बड़ा रीजन तो वह है कि प्रेशर इक्वलाइजेशन यूनिफॉर्म प्रेशर लगता है दूसरा रीजन यह है कि मिनिमम सरफेस एरिया लेता है कोई भी सर्कुलर टाइप होगा तो मिनिमम सरफेस एरिया ही हमारा लेगा ठीक है ना और वैसे ही हमारा ये वेरी कॉम्पैक्ट और लेस स्पेस ले रहा है यह पॉइंट भी हमने लिख लिया ठीक है ना और दूसरा पॉइंट एक को लिखेगा इसमें जो है हमारी फ्यूल की वेराइटी भी रहती है एनी टाइप ऑफ फ्यूल कैन बी बर्न एनी टाइप ऑफ फ्यूल कैन बी बर्नड ठीक है तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं वो और में भी ऑप्शन रहता है क्योंकि एक तो छोटा है इसलिए कोई भी फ्यूल बर्न कर सकते हैं दूसरी चीज ये है कि भाई आपका हॉट गैसेस तो ट्यूब में रहनी है तो कोई ऐसा कांटेक्ट है नहीं किसी के साथ तो इसीलिए फ्यूल हाँ आपका हर तरह का यहाँ पे बर्न हो सकता है ठीक है ना और बाकी मैंने बोला प्रोसेस इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्रीज में सब जगह इसका यूज होता है ठीक है ये हमारी अगर बात करें कोल के साथ जो डेटा दिया हुआ है बच्चों उसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है विद कोल कोल के साथ जो है विद कोल सेवेंटी परसेंट एफिशियंसी जो है वो ये देता है ठीक है ना ये डेटा भी बुक्स में दिया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ठीक है बाकी कोई एफिशिएंसी वगैरह का जिक्र नहीं है तो जरूरत नहीं है क्लियर है तो ये बता दिए मैंने आपको चारों टाइप के फायर ट्यूब वॉयलट्स आई होप आप लोगों के समझ में आ गए होंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके

वो मॉडल की पर और अच्छी दिखाई देगी बाकी पॉइंट्स तो लगभग इंपॉर्टेंट यही हैं अब आपका काम क्या है कि यहां पर खत्म होने के बाद अब आपका काम क्या है यहां पर खत्म होने के बाद कि सारे बॉयलर जो हैं वो प्रॉपरली ऐसे लिखें बॉयलर्स और सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके सामने मतलब जैसे बॉयलर में सबसे पहले हम वाटर ट्यूब बॉयलर्स की बात करें तो वाटर ट्यूब बॉयलर्स आपको प्रॉपर पहले लिख देने हैं ठीक है ना बैपकॉक एंड विलकॉक्स ठीक है बैबकॉक विलकॉक स्टर्लिंग बॉयलर बिल्कुल उसी ऑर्डर में थर्ड लॉन्ग माउंट बॉयलर ठीक है लो फ्लर बॉयलर ठीक है वेलॉक्स बॉयलर और उसके बाद आपका बेंसन बॉयलर ठीक है ये आपने लिख दिया मान लीजिए नाम छह के छह तो ये हो गए आपके वाटर ट्यूब बॉयलर ना हो अब उसके बाद आप फायर ट्यूब लिख सकते हैं अब फायर ट्यूब बॉल्स में भी आपके कौन से आ गए फायर ट्यूब बॉलर्ट आपके इसी के नीचे लिख सकते हैं तो फायर ट्यूब बॉयर्स में आपके कौन से आ गए सेवेंथ वन दैट इज लंका शहर बॉयलर ठीक है और याद ऐसे ही करना है बच्चों जब भी करना है लंका शहर बॉयलर अपने यहां कैटेगरी आपको याद रहेगी लंका शहर बॉयलर की जैसा कौन था कॉर्निश बॉयलर ठीक है ना उसके बाद हमारा कोखरन बॉयलर ठीक है उसके बाद हमारा कॉर्निश के बाद हमारा कोखरन बॉयलर कोखरन के बाद हमारा अच्छा कॉर्निश के बाद मैंने लोकोमोटिव लिया है और उसके बाद हमारा कोखरन बॉयलर ठीक है ये हमने बता दिए टोटल दस बॉयलर है ना छह हमारे वाटर ट्यूब और पांच चार हमारे फायर ट्यूब बॉयलर बस अब आपको नाम देखते ही उसकी कहानी स्टोरी जो है वो याद रहनी चाहिए ठीक है थोड़ा सा मैं कैमरा इधर कर देता हूं ठीक है तो आपको जब भी रिवाइज करना है देखते उसकी स्टोरी याद आनी चाहिए कि आपने बोला बैपकॉक विलकॉक तो बिल्कुल दिमाग में क्लियर कि भैया मेन मेन पॉइंट क्या थे इंक्लाइन ट्यूब थी ठीक है ना जिग जैग ट्यूब थी ठीक है ना लो प्रेशर बॉयलर था ठीक है ना इस तरह के मेन मेन पॉइंट कि पांच से पंद्रह डिग्री इंक्लाइन ट्यूब थी ठीक है ना जिग जैग था जिग जैग क्यों था ये बताया था हीट एक्सपोजर के लिए लो प्रेशर बॉयलर था यही है मेन मेन पॉइंट जरूरी नहीं है कि आपको इवेपोरेटिंग कैपेसिटी याद रहे ठीक है ना तो ये मेन अगर हम लोग बात करें इधर की स्टर्लिंग बॉयलर तो आपको क्या था मेन पॉइंट क्या था कि मोर देन वन ड्रम मोर देन वन ड्रम ठीक है मैं ये लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं ऐसे याद दिला रहा हूं कि ऐसे ही याद रखना है मोर देन वन ड्रम जिसमें आप क्या कह सकते हैं एक मड ड्रम ड्रम का यूज होता है बेंट ट्यूब्स यहाँ यूज होती है वो भी उसके पीछे भी रीजन बताया था इस तरह से लॉ अमाउंट है तो एक्सेसरीज ऐड कर दो जो हमने एक्सेसरीज में ऐड की थी कौन कौन सी एक्सेसरीज थी लोफलर है तो लोफलर में क्या, -क्या था? से किया था स्टीम से इवेपोरेट किया था स्टीम से इवेपोरेट किया था क्यों किया था स्टीम से इवेपोरेट क्योंकि हमारा जो है वो पाइप में सिर्फ वाटर की जगह पर स्टीम फ्लो करना चाहिए समझ रहे ना इस तरह से इस तरह से समझ आई बात क्लियर है वेलॉक्स बॉयलर में हमारा गैस टर्वाइन का यूज किया था हमने जिससे हमने कंप्रेसर को चलाया था तो सुपर चार्जिंग सुपर चार्जिंग कंबशन चैंबर था हमारा समझ आ रही बात ऐसे ही सेम बेंसन बॉयलर याद करे तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर है सुपर क्रिटिकल बॉयलर तो अपने आप, आप आपको पॉइंट याद आते जाएंगे सुपर क्रिटिकल बॉयलर है तो क्या होता है बॉयलिंग नहीं होती है यहाँ पे बॉयलिंग नहीं होती है तो सीधा जो हमें वेपर वेपर हमें मिलता है इसको इसलिए वंस थ्रू बॉयलर भी कहते हैं तो अभी आपको क्या ना याद है जब आप ऐसे लिख लोगे तो धीरे धीरे वो पॉइंट अपने आप याद होने लग जाएंगे ठीक है ना सेम आप इधर आके लंका लंकाशहर बॉयलर में तो लंकाशहर आपको पता है कि हाँ यार एक था उसमें एक शेल था उसमें दो ट्यूब थी शेल हमारा दो से तीन मीटर का था सात से नौ मीटर की लेंथ थी ठीक है ना कॉर्निश बॉयलर ठीक उसी का छोटा साइज ले लो कि वन टू तो 1.75 वन पॉइंट सेवन फाइव मीटर का डाया कर लो और लेंथ कर लो आपकी उसके चार से सात मीटर ठीक है ना और एक सिंगल ट्यूब कर लो सिंपल और कुछ पॉइंट है ही नहीं बाकी पॉइंट तो सेम ही है वो तो अपने आप ही याद आ जाएंगे लोकोमोटिव बॉयलर है लोकोमोटिव आपको पता है यार इंजन वाला लोकोमोटिव इंजन में यूज होने वाला बॉयलर है जिसमें बंच ऑफ ट्यूब्स होती हैं कई सारी ट्यूब्स जो हैं वो यूज़ होती हैं हमारी मोबाइल बॉयलर है मेनली तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है कोखरन बॉयलर की बात करें कोखरन बॉयलर एक वर्टिकल बॉयलर है जो ऊपर से हेमिस्फेरिकल स्फेरिकल क्राउन का होता है स्पेरिकल क्राउन शेप का होता है ठीक है ना बाकी फायर ट्यूब बॉयलर है जो है वो है ये सब चीज़ें आप यार तो बहुत आसानी से बच्चों चीज़ें कहानी बन जाती हैं तो मेरा वही मैं कह रहा हूं ना मेरा इस रिवीजन का मकसद ही यही है कि आपको इसी तरह से चीजें याद होनी शुरू हो जाए अगर ऐसे याद नहीं हो रही है तो फिर कोई फायदा नहीं है फिर हम कितना ही पढ़ते रहे बराबर है तो जो जो सब्जेक्ट जो जो पॉइंट हमारे निपटते जा रहे हैं सेम हर चीज को ऐसे याद रखना है स्ट्रेंथ तो मटेरियल में डिफ्लेक्शन स्लोप लिखना आपको ऐसे आना चाहिए ये नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप असफल हो इस चीज के लिए तो जब तक इन चीजों को लिखने की क्योंकि ये मत सोचो कि यार पेपर में क्वेश्चन आता है स्लोप डिफ्लेक्शन का तो वो तो मैं कर ही लूंगा सबको पता है आप कर लोगे और सब कर लेंगे आप ही नहीं सब कर लोगे लेकिन फिर आप तब भी लोगों से आगे कैसे रह सकते हो कि आपको सोचना नहीं पड़ता है लोग सोचते हैं कि यार क्या था इसका फॉर्मूला क्या था थोड़ा सोच के लिखेंगे आप उतनी देर में टिक करके आगे चलते हो तो ये टिक करके आगे तभी जा पाओगे जब दिमाग इतना एक्टिव होगा आपको इतनी बार चीजें आपने लिख चुके होंगे तो इसीलिए जब खाली बैठे हो घर पे जो खाली बैठे हैं खासकर जो जॉब कर रहे हैं वो तो चलो अपना टाइम वैसे मैनेज करेंगे लेकिन जो खाली बैठे हैं या जॉब पे भी जो है चलो जिस टाइम पे खाली है उस टाइम पे पेपर पकड़ के सीधा जो जो चीजें आपने याद करी है पहले वो लिख दो ताकि जो भूल रहे हो यहीं पर भूलोगे फटाफट चेक करके उसे याद रख लोगे तो ऐसे यही एक प्रोसेस है जिससे रिविजन आप डेली कंटिन्यू रख सकते हो नहीं तो बार बार रजिस्टर उठा के रिविजन नहीं होता है ये मत सोचो कि यार हफ्ता दस दिन हो गए चलो रजिस्टर उठाता दो फिर से सारा रिवाइज करता हूँ वो एक पूरा प्रॉपर रिवीजन है वो बड़ा रिवीजन है लेकिन डेली लाइफ में जो रिवीजन करना है ना आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई चीज क्लिक करी दिमाग में फटाफट पेपर में रफ पेपर में ऐसी लिख दी जैसे मैंने लिखा कुछ समझ आ रहा है कुछ नहीं समझ आ रहा है लेकिन मेरे सब समझ आ रहा है कि मैंने क्या लिखा मेरा रिविजन हो चुका है समझ समझे ना इस तरह से तो जो आप रफ में ऐसा रिविजन करोगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसमें जरूरी नहीं है कि बहुत साफ साफ लिखा जाए वो तो बस लिखा और फेंका किनारे वो सिर्फ एक शॉर्ट रिविजन है तो वो चीजें करनी बहुत जरूरी है वो हैबिट पड़ जाएगी धीरे धीरे तो फिर अपने आप सब सेट हो जाएगा क्लियर है लेकिन लास्ट लास्ट ईयर ईयर बच्चों पेपर पेपर कैलकुलेटिव नहीं था लास्ट पेपर जो है वो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज ज्यादा था बाकी कैलकुलेशन जो आती है वो फिक्स है न्यूमेरिकल तब भी कोई बहुत भर भर के नहीं आए थे ये चीज समझो आप तो कैलकुलेशन तब भी कोई ज्यादा नहीं आई थी लेकिन जो पूछा था उसमें स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन ज्यादा जरूरी ज्यादा थे जिसमें क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है ये बताना जरूरी है तो उसके लिए मतलब वही है कि कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी था चलिए चलिए तो अब हम आगे चलते हैं हमारी लिस्टिंग की तरफ यहाँ पे ठीक है तो अब ये डिफरेंसेस अब मैंने कहा था कि लास्ट में आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए फायर ट्यूब वाटर ट्यूब बॉयलर में तो ये डिफरेंसेस अब आप लिख लेंगे ठीक है ना फायर ट्यूब के जितने भी पॉइंट्स हैं वाटर ट्यूब के कंपेयर में लिख लेंगे जैसे आप लिख सकते हैं कि फायर ट्यूब है वाटर ट्यूब है तो वाटर ट्यूब में आप लोगों ने देखा था कि हमारे क्या थे नेचुरल सर्कुलेटेड भी थे और फोर सर्कुलेटेड भी थे लेकिन वाटर ट्यूब फायर ट्यूब में हमारे क्या थे सब नेचुरल सर्कुलेटेड थे ठीक है ना तो ये इस तरह के डिफ्रेंसेज ये हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर जो है वो बड़े पावर प्लांट्स में यूज होता है हाई प्रेशर हाई आउटपुट वाले बॉयलर्स रहते हैं लेकिन इधर अगर हम बात करें तो यहां यूज होता है हमारा मॉडरेट और लो प्रेशर वाले हमारे यूसेज में आते हैं इधर हमारे पोर्टेबल नहीं होते हैं इधर हमारे मूवेबल पोर्टेबल होते हैं फायर ट्यूब में ठीक है ना तो ये डिफरेंसेस आपको कहीं भी दिख जाएंगे तो ऐसा एक डिफ्रेंसेज भी याद रखना क्योंकि कुछ पॉइंट जो है वो यहां पर कवर हो जाते हैं क्लियर समझ आई बात तो दोनों के अपने अपने यूजेज हैं यूसेज हैं हम ये नहीं कह सकते कि वाटर ट्यूब ज़्यादा बेहतरीन है वाटर ट्यूब इसलिए बेहतरीन है क्योंकि वाटर ट्यूब जो है वो बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं बड़े स्केल पे मतलब बड़े पावर प्लांट के लिए बेटर हैं अगर उसी को हम छोटे पावर आउटपुट के लिए करें समझो दोनों में अंतर अगर आपको एफिशियट पूछे कि ज़्यादा कौन सा है तो एफिशियंट डिपेंड करेगा अगर आप सेम पावर निकाल रहे हैं क्यों क्योंकि अगर इतना बड़ा खर्च करके क्योंकि वाटर ट्यूब में जो है वो खर्चा ज्यादा है वाटर ट्यूब बॉयलर में अरेंजमेंट ज्यादा है तो वाटर ट्यूब बॉयलर में अगर आप स्टीम निकाल रहे हैं तो इतना खर्चा करके अगर आप कम स्टीम निकाल रहे हैं तो वाटर ट्यूब बॉयलर आपके इनएफिशिएंट कहलाएंगे लेकिन अगर आप पावर प्लांट के हिसाब से इतनी पावर आउटपुट निकाल रहे हैं तो वो एफिशियंट कहलाएंगे क्योंकि इतनी पावर अगर हम फायर ट्यूब से निकालेंगे तो उसकी एफिशियंसी घट जाएगी क्लियर है तो इसलिए याद रखेगा फॉर द सेम पावर आउटपुट वाटर ट्यूब बॉयर्स आर मोर एफिशियंट ठीक है ना सेम पावर आउटपुट के लिए वाटर ट्यूब बलट ज्यादा एफिशिएंट होंगे जो हाई पावर आउटपुट है हमारा ठीक है तो हाई पावर आउटपुट के लिए वाटर ट्यूब बलट ज्यादा एफिशिएंट होते हैं लो पावर आउटपुट के लिए जो है हमारे फायर ट्यूब बलट ज्यादा एफिशियंट होते हैं क्लियर है समझ आगे बात चले आगे तो अब हम बढ़ते हैं सीधा सीधा हमारे माउंटेन एंड एक्सेसरीज की तरफ माउंटेन्स एंड एक्सेसरीज की तरफ चलिए तो यहां पे सबसे पहले सबसे आसान चीजें लिख लेते हैं दैट इज कॉल्ड बॉयलर एक्सेसरीज तो वी ऑल नो दैट बॉयलर एक्सेसरीज क्या होती है ठीक है बॉयलर एक्सेसरीज जो है वो क्या होती है तो एक्सेसरीज हमारी वो चीज होती है जो मेन वर्किंग का पार्ट नहीं होती है जो एक्सेसरी के एक्सेसरीज वो चीज होती है जो मेन वर्किंग का पार्ट नहीं होती है कि ऐसा नहीं है कि उसके बिना कोई जो फंक्शन है वो मेन प्रिंसिपल वो काम नहीं करेगा तो वो मेन वर्किंग का पार्ट नहीं होती है बट इट ऑलवेज इंप्रूव दी एफिशिएंसी तो ये इंप्रूवमेंट के लिए लगाई जाने वाली जो डिवाइसेस होती हैं उनको हम एक्सेसरीज कहते हैं ठीक है ना विच इज नॉट दी Part of working, but it always improves, always install to improve the efficiency. Improves the efficiency.

ठीक है अब मैंने क्या बोला था कि वाटर को कम करना भाई इनपुट कम करके ज्यादा आउटपुट लेना आउटपुट तो एक ही है ना स्टीम आउटपुट तो एक ही है स्टीम तो वाटर को कम करके तो स्टीम को ज्यादा नहीं लिया जा सकता भाई वाटर तो जितना खर्च करोगे उतनी स्टीम बनेगी समझ आ रही ना बात तो इसीलिए वाटर तो छोड़ ही दो वाटर में तो आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते वाटर तो आपको लेना ही है

कि कैलकुलेशन के लिए क्या करना है हीट इनपुट जो है तो क्यू इनपुट जो आप लगा रहे हैं हीट इनपुट वो सिंपल है कितना मास ऑफ अ फ्यूल कितना जला रहे हो और एक फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है एम एफ इन ये सिंपल से हम लोग निकाल देते हैं ठीक है दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू तो हम यहाँ पे हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला हीट वो लेंगे फ्यूल तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल लेंगे तो कम मास जो है हमारा लग के भी हीट हमें ज्यादा मिल सकता है यही दोनों चीजें हैं ठीक है ना या फिर अगर कम कैलोरिक वैल्यू वाला फ्यूल है तो मास और फ्यूल हमारा ज्यादा हो सकता है तो यही सब हम बातें करेंगे जब कोल वोल की भी बातें करेंगे हीट कैलकुलेशन वगैरह में ठीक है ना तो ये क्यू इनपुट जो है हमारा MF CV, तो कहने की बात यह है कि हम सिर्फ इसको इस इस फ्यूल को लगने से जितनी भी हीट निकली है अगर हम उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो दिक्कत आ जाती है एफिशिएंसी हमारी लो हो जाती है तो इसीलिए उसी को यूटिलाइज करने के लिए टू यूज वेस्ट हीट यूज दी वेस्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैस फ्लू गैसेस हम लोग जो है यह इंस्टॉलेशन करते हैं और यह इंस्टॉलेशन करने के लिए हमारे पास क्या क्या है यूज करने के लिए दैट वी हैव अपर हीटर सुपर हीटर अब मेरे को नहीं लगता इसका फंक्शन बताने की मुझे जरूरत है ठीक है ना वी हैव अ इकोनोमाइजर वी हैव अ एयर प्री हीटर ठीक है ना तो ये तीन डिवाइसेस हमने इंस्टॉल किए थे टू यूटिलाइज दी वेस्ट हीट तो एक बार मैं फिर से हल्का सा बता दे रहा हूं सुपर हीटर क्या है स्टीम को आउट को रीहीट करने के लिए रीहीट करने के लिए स्टीम जो बाहर निकल रही है उसको रीहीट करने के लिए ठीक है ना टू रीहीट दी स्टीम जो स्टीम बाहर जा रही है उसको रीहीट करने के लिए टू हीट दी फीड वाटर फीड वाटर को हीट करने के लिए जो फीड वाटर अंदर जा रहा है में उसको पहले से प्री हीट करने के लिए ठीक है ना टू प्री हीट दी फीड वाटर प्री हीट बोल देते हैं टू प्री हीट फीड वाटर एयर क्या है टू प्री हीट दी फ्रेश एयर फॉर कंबशन कंबशन के लिए जो एयर जा रही है उस एयर को कंबशन के लिए जो एयर जा रही है उस एयर को प्री हीट करना दैट इज कॉल्ड एयर प्री हीटर तो ये तो हो गए हमारे मेन तीन डिवाइसेज जो हम लोग यूज करते हैं इसके अलावा हमने एक पंप भी बोला था फीड वाटर पंप वो भी हमारा एक्सेसरीज ही है समझ लीजिए दट इज कॉल्ड फीड वाटर पंप ठीक है ना टू इंक्रीज दी सर्कुलेशन ऑफ वाटर to increase the rate of circulation of water, water के circulation rate को बढ़ाने के लिए हम लोग feed water pump का use कर लेते हैं ठीक है ना समझ आई बात स्मॉल फंक्शन एसेसरी ये ले तो लिया है यही तो था फीड वाटर पंप उसमें फिफ्थ ठीक है अब यहां पे ये हम लोग मेनली यूज करते हैं इसके अलावा एक दो चीजें आप और लिख सकते हो जैसे स्टीम इंजेक्टर स्टीम इंजेक्टर भी जो है हम लोग यूज करते हैं स्टीम इंजेक्टर इसी के तरह हो गया वो भी स्टीम इंजेक्टर स्टीम इंजेक्टर भी जो है वो स्टीम के थ्रू चलता है हमारा एक तरह से ये कहें कि स्टीम इंजेक्टर का, का काम भी यही है टू लिफ्ट एंड फोर्स दी फीड इंटू दी बॉयलर फीड वॉटर इंटू दी बॉयर तो यह भी जो है तो इसको लिखो या इसको लिखो बात एक ही है तो टू लिफ्ट एंड फोर्स दी ठीक है ना टू लिफ्ट एंड फोर्स दीड वॉटर इंटू दर वॉटर इंटू दॉयलर ब्रॉयलर में इसको फीड वाटर को धकेलने के लिए एक स्टीम इंजेक्टर का भी यूज होता है एक और याद बत, एक और होता है हमारा बताइए एक और किसी को पता हो एसेसरी एक और होता है वो भी हम लिख लेते हैं दैट इज अवर किसी को याद है नहीं नहीं याद रहेगा क्योंकि वो छूट जाता है एक और हमारा आता है जो सिर्फ इंप्रूवमेंट के लिए है वो है हमारा दैट इज कॉल्ड सिक्स वन सिक्स वन एसेसरीट इज कॉल्ड एंटी प्राइमिंग पाइप एंटी प्राइमिंग पाइप ये एंटी प्राइमिंग पाइप क्या होता है एक तरह से हम कह सकते हैं स्टीम सेपरेटर टाइप मतलब एंटी प्राइमिंग पाइप है जो स्टीम से मॉइस्चर को अलग करता है टू टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम स्टीम ठीक है ना जो आउटलेट में स्टीम जा रही है उस स्टीम से मॉइस्चर को जो है वो अलग करता है दैट इज अवर एंटी प्राइमिंग पाइप ठीक है ना तो इट फिल्टर आउट मॉइस्चर फ्रॉम आउट गोइंग स्टीम क्या रखेगा इट फिल्टर आउट मॉइस्चर फ्रॉम आउट गोइंग स्टीम तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है ऊपर दिख तो रहा था थोड़ा नीचे लिख दू यूज टू फिल्टर आउट मॉइस्चर फ्रॉम आउट गोइंग स्टीम तो याद रखिए ये है टोटल हमारी सिक्स एक्सेसरीज जिसमें से तीन आपको बहुत अच्छे से पता थी दैट इज सुपर हीटर इकोनोमाइजर एनपी हीटर उसके अलावा फीड वाटर पंप या स्टीम इंजेक्टर आप कह सकते हैं बात एक फंक्शन दोनों का एक ही है तो फीड वाटर पंप या स्टीम इंजेक्टर या फिर एंटी प्राइमिंग पाइप ठीक है ना एंटी प्राइमिंग पाइप ये आपको मेनली याद रखने हैं सारे है? तो ये है हमारी बॉयलर एक्सेसरीज ठीक है मैं हट जाता हूं एक बार स्क्रीन से या पानी पी लेता हूं इतनी देर में आप अपना देख सकते हैं क्लियर है चलिए अब बात करते हैं हम लोग माउंटिंग्स के बारे में ठीक है बाकी डियरेटर स्ट्रोक ये सब मैंने बच्चों क्वेश्चन में कवर किए हैं आप वहां से नोट कर लीजिए ठीक है ना क्योंकि ये किसी किसी में यूज होते हैं हर जगह यूज होने वाली चीजें नहीं है तो मैंने आपको कहा कि नोट्स में जनरलाइज नहीं वो आप वहां से नोट कर लें स्टार पॉइंट डाल के तो जो क्वेश्चन में कवर हो रहा है वो क्वेश्चन की चीजें वहां लिखे दैट इज डियर आप स्ट्रोक बताया था डियर बताया था ठीक है ना डियरेटर वो सब आप वहां से लिख सकते हैं वेरी गुड नाउ ठीक है हटा दें ना। अब देखिए अब बात करें हम लोग माउंटिंग्स की तो माउंटिंग्स में आपको आजकल पहले तो ज्यादातर ये पूछा जाता था कि कौन सी इसमें एक्सेसरी है और कौन सी माउंटिंग है तो एक्सेसरीज को जो है वो पहचानना आसान हो जाता है एक्सेसरीज को जो है स्टीम ट्रैप बच्चों सेम ही चीज है ठीक है ना मैंने आपको बताया था कल स्टीम सेपरेटर स्टीम ट्रैप तो स्टीम ट्रैप वही सेम चीज है कि जब हमारे वाटर को देखो दोनों में अंतर यही है कि हमारे जब वाटर को हमारे ए, हम ड्रेन कर रहे हैं वाटर को ड्रेन कर रहे हैं तो वाटर को जाने दे और स्टीम को रोक दे दैट इज स्टीम ट्रैप और हमारा जो स्टीम सेपरेटर है वो क्या है हमारा जो हमारे स्टीम को जाने दे वाटर को रोक दे दैट इज स्टीम सेपरेटर तो वो एंटी प्राइमिंग पाइप के तरह ही हो गया स्टीम सेपरेटर ठीक है और स्टीम ट्रैप हमारा ड्रेनिंग ऑफ वाटर के लिए है कि स्टीम ट्रैप तो उसको भी आप एसरीज में लिख सकते हो कोई इशू नहीं है ठीक है ना बॉयलर ड्रॉट बच्चों अभी बताने की जरूरत नहीं है ना बॉयलर ड्रॉट तो अपने आप में अलग टॉपिक है तो कल लेंगे जब हम कैलकुलेशन बताएंगे तो ड्रॉट बताऊंगा मैं आपको ड्रॉट तो फिर यहां से अलग ही टॉपिक शुरू हो गया अभी ठीक है अभी ड्रॉट का कोई लेना देना नहीं है अभी ड्रॉट करते हैं बाद में ड्रॉट भी बता दूंगा मैं आपको जो भी है ठीक है ना ड्रॉट की टेंशन लीजिए ड्रॉट अपने आप में कंसेप्ट है प्रॉपर भाई बॉयलर में जो कैलकुलेशन कोई है तो वो ड्रॉट की ही कैलकुलेशन है पर आपको कैलकुलेशन से ज़्यादा समझना जरूरी है कि ड्रॉट है क्या किस तरह का होता है तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं कोई मुश्किल काम नहीं है तो इसलिए थोड़ा आराम रखिए ठंड रखिए बता दिया जाएगा ना अब यहां पे आते हैं हम बॉयलर आपके माउंटिंग्स में तो माउंटेन्स में सबसे पहले जानना जरूरी है बच्चों जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है आज की डेट में वो ये है कि हमें सारे के सारे नाम माउंटेन्स के ही दिए होंगे ठीक है ना पहले तो मैंने कहा क्वेश्चन आता था कि एसेसरीज कौन सी और माउंटिंग कौन सी अब क्या है बॉलर की माउंटिंग माउंटिंग दी होती है आपको यह पहचानना होता है कि इसमें से जो है इसमें से जो है आपकी माउंटिंग्स फॉर सेफ्टी कौन सी और माउंटिंग्स फॉर कंट्रोल कौन सा है तो यह आपको पूछा जाता है तो याद रखेगा अब माउंटेन्स जितनी भी हैं उनको दो भागों में बांट दें माउंटिंग्स फॉर सेफ्टी एंड माउंटिंग्स फॉर कंट्रोल ठीक है ना तो यह जरूर पता होना चाहिए अब सेफ्टी और कंट्रोल के लिए कौन सी है ठीक है तो सेफ्टी में आ जाती है हमारी वो सब चीजें जो हमारे क्या करेगी ऑपरेशन को सेफ बनाएगी ठीक है ना माउंटिंग्स मतलब वो चीजें हो जाती है माउंटिंग्स पहले तो माउंटिंग मतलब क्या हो जाता है विच इज नेसेसरी नेसेसरी एंड डिवाइसेस क्या बोले नेसेसरी डिवाइसेस माउंटेड ऑन बॉयलर माउंटेड मतलब उसी में अटैच है माउंटेड ऑन बॉयलर टू to operate 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 in a control way with complete safety with complete safety तो क्या बोल रहे हैं माउंटिंग्स वो है जो ऑपरेशन को पूरी तरह से कंट्रोल में करवाए और विद कंप्लीट सेफ्टी आपको और साथ साथ पूरी सेफ्टी दे तो ऐसे में ये बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि माउंटेन्स फॉर सेफ्टी और कंट्रोल तो माउंटेन्स एक बहुत असेंशियल पार्ट है ठीक है ना इट इज असेंशियल और नेसेसरी डिवाइसेस ठीक है तो असेंशियल लिखे वर्ड ज्यादा अच्छा नेसेसरी से अच्छा असेंशियल डिवाइसेस असेंशियल डिवाइसेस ठीक है तो माउंटिंग और सेफ्टी में हम लोग आते हैं सेफ्टी के लिए ऑब्वियसली बातें जिनके आगे सेफ्टी लगाए वो अपने आप में सेफ्टी वाले माउंटिंग हो गई दैट इज सेफ्टी वॉल्व सेफ्टी वॉल्व सबसे पहले ठीक है ना सेफ्टी वॉल्व हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है इसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर सेफ्टी वॉल्व दोनों तरह की होती है ठीक है दूसरी हमारी आती है वाटर लेवल इंडिकेटर वाटर लेवल इंडिकेटर ठीक है ना थर्ड हमारा आता है फ्यूजिबल प्लग फ्यूजिबल प्लग तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है दीज आर माउंटेन फॉर सेफ्टी अगर माउंटिंग फॉर कंट्रोल की बात करें तो अब कंट्रोल किससे होता तो है जितने भी इंडिकेशन देने वाले हैं वो सब कंट्रोल में आते हैं इंडिकेशन जैसे प्रेशर गेज जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है या नहीं तो प्रेशर जो है वो आपको डेंजर है प्रेशर अंडर कंट्रोल है वो सब आपको प्रेशर गेज से पता चलेगा तो प्रेशर गेज हो गई आपकी स्टीम स्टॉप वॉल्व हो गई स्टीम स्टॉप वॉल्व हो गई ठीक है ना अभी फंक्शन भी बताऊंगा सबका क्या क्या है स्टीम स्टॉप वॉल्व हो गई ये भी मेन है स्टीम को आना और जाना रोकने के लिए ठीक है ना स्टीम स्टॉप वॉल्व फीड चेक वॉल्व फीड चेक वॉल्व एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड ब्लो ऑफ कॉक ब्लो ऑफ कॉक और फिफ्थ इसमें और ले सकते हैं कंट्रोल के लिए हम लोग जैसे मैन होल भी इसी में आ जाता है मैन होल मतलब आदमी के जाने के लिए मेंटेनेंस के लिए तो दट इज कॉल्ड मैन होल मड बॉक्स भी इसी में आ जाता है दैट इज कॉल्ड मड बॉक्स अब इनमें देखिए नाम तो इतने सारे हैं ये लेकिन इनमें जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो या तो सेफ्टी वॉल्व के बारे में पूछा जाता है तो मैं कहूंगा कि अभी तो मैं रिवीजन करवा रहा हूं लेकिन फिर भी सेफ्टी वॉल्व के बारे में एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा सा और डिटेल में जरूर पढ़ के जाएँ जितना मैं बताऊंगा उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है चाहो तो फिर मैं सेफ्टी वॉल्व में आगे लूंगा आगे जाके अलग से भी लेक्चर ठीक है फिर प्लग आपसे पेपर में बहुत पूछा जाता है ठीक है ना ऐसे सेम ब्लो ऑफ कॉक पेपर में बहुत पूछा जाता है ठीक है ना और स्टीम स्टॉप वॉल पेपर में बहुत पूछा जाता है तो ये मेनली जो चीज़ें हैं जो पेपर में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं जो मैंने मार्क करी है ठीक है ना इन माउंटिंग्स के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो इसलिए भी क्योंकि इन बाकी के माउंटिंग अगर आप देखो तो नाम से अंदाजा है कि ये किस परपज के लिए यूज हो रही है तो जिनका नाम से अंदाजा है ऑब्बियसली बात है उनको ज्यादा पूछने की जरूरत है नहीं ठीक है ना ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे इधर से एक एक फंक्शन लिखना ठीक है तो याद रखिए सेफ्टी वॉल्व सबसे पहले तो सेफ्टी वॉल्व का यहाँ पे क्या है ठीक है सेफ्टी वॉल्व क्या है सेफ्टी वॉल्व का सीधा सीधा अर्थ है कि आपकी सेफ्टी बनाए रखना किस चीज के लिए प्रेशर के अंदर मैंने बोला था ऑपरेटिंग प्रेशर जो है वो सबसे बड़ी जो है वो यहां पे एक रिस्क है कि ऑपरेटिंग प्रेशर अगर आपका हाई हुआ कम हुआ जैसे आप जनरली घर पे भी जो प्रेशर कुकर यूज कर रहे हैं उस प्रेशर कुकर में सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि भाई प्रेशर कुकर फट ना जाए फटेगा कब जब अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा प्रेशर बिल्डअप होगा तो प्रेशर जब एक लिमिट से ज्यादा होगा जितना कुकर नहीं झेल सकता है तो ऐसे में वो बर्स्ट होगा तो इसके लिए क्या लगाया गया है ऊपर एक वॉल्व लगाई गई है ताकि जैसे ही उसमें प्रेशर जो है एक लिमिट से ज्यादा जाता है जितना वो झेल सकता है वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए स्टीम को बाहर कर देता है दिस इज कॉल्ड सेफ्टी वॉल्व ठीक है ना तो सेफ्टी वॉल्व का मतलब क्या है कि एक रिस्क की लिमिट से जैसे ही प्रेशर बिल्डअप हो वो आपका सेफ्टी वॉल्व जो है

ठीक है ना इट डू नॉट अलाउ बॉयलर प्रेशर टू राइज टू राइज बियॉन्ड ठीक है थोड़ी लैंग्वेज वैसी ही लिखा रहा हूं ताकि जो लैंग्वेज आई है पेपर में उस तरह की लैंग्वेज में लिखो तो ज्यादा आंसर है अभी बताता हूं क्यों कंट्रोल माउंटिंग नहीं है वाटर लेवल इंडिकेटर अभी बताते हैं उसके बारे में बात करते हैं ठीक है ना अभी आने तो दो उस पर ठीक है ठीक है ना राइज बियॉन्ड इट्स बियॉन्ड इट्स सेफ वैल्यू ठीक है बियॉन्ड इट्स सेफ वैल्यू या सेफ प्रेशर आप बोल सकते हैं तो सेफ्टी वॉल्व क्या है जो बॉयलर के प्रेशर को बढ़ने नहीं देती है बियॉन्ड इट्स सेफ प्रेशर सेफ प्रेशर से ऊपर बढ़ने नहीं देती है उसको हम बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व नाउ इफ यू टॉक अबाउट वाटर लेवल इंडिकेटर तो वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है बच्चों और क्यों हम इसे सेफ्टी में रखे हैं सेफ्टी में मतलब यह हो जाता है कि देखो पानी कम डालना है ज्यादा डालना है ड्रेन करना है पानी या निकालना है यह हमारे हाथ में नहीं है ये क्या है कंट्रोल के हाथ में सेफ्टी क्या है सेफ्टी यह है कि अगर पानी कम हो जाता है तो वो हमें कैसे पता चलेगा या पानी जो है वो हमारा कैसे मान लीजिए स्टीम और वाटर क्योंकि वाटर लेवल इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि मान लो एग्जाम्पल बताओ ये अलग तरह का डिवाइस होता है और बड़ा जबरदस्त इसका फंक्शन होता है अपने आप में समझने के लिए ये वाटर है हमारा ये हमारा बॉयलर ड्रम है बॉयलर ड्रम में ये वाटर का लेवल है ये स्टीम का लेवल ये स्टीम है ये वाटर है तो एक वाटर लेवल इंडिकेटर लगेगा जिसका एक पॉइंट स्टीम से कनेक्टेड होगा और एक पॉइंट जो है वो यहां वाटर से कनेक्टेड होगा ठीक है और यहां पे अब समस्या सबसे बड़ी आती है ना कि अगर बॉयलर में स्टीम का लेवल या वाटर का वाटर के लेवल को अगर देखना है तो फिर हमें विजिबिलिटी वाला जो होना चाहिए केसिंग इसका लेकिन ऑब्वियस बात है प्रेशर इतना हाई है कि आपको मेटेलिक केसिंग बनाना पड़ेगा अब मेटेलिक केसिंग बनाएंगे तो हमें दिखेगा नहीं फिर उसमें वाटर लेवल कितना है तो उसको देखने के लिए हम एक सेपरेट जोन निकालते हैं और यहां पे एक मेटेलिक कैप्सूल लगाते हैं ठीक है दोनों के बीच में मेटली कनेक्टर लगाते हैं और उससे आगे चले जाएं तो आगे जाके हम एक ग्लास का यहां पे ट्यूब अटैच कर देते हैं एक ग्लास की ट्यूब अटैच कर देते हैं ठीक है ना अब ग्लास की ट्यूब अटैच करते हैं यहां पे हम नॉब लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए नॉब लगा देते हैं तो जब ऑन करते हैं तो यहां से वॉटर आता है और वहां से स्टीम आती है यहां से वॉटर और वहां से स्टीम तो वॉटर का लेवल जो वहां होगा वही यहां भी दिखाई देगा पास कर लो ठीक है ना प्रेशर सेम है तो वाटर लेवल जो यहाँ तो वाटर और स्टीम जो है इस ग्लास में बराबर लेवल पे दिखाई देगा बिल्कुल बराबर लेवल पे ठीक है ना लेकिन अचानक अब बात है ये ग्लास का है ये ग्लास ट्यूब है ये ग्लास ट्यूब होती है तो ग्लास ट्यूब जो है ज्यादा देर टिकेगी नहीं प्रेशर की वजह से ये ग्लास ट्यूब जो है वो बर्स्ट हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे कुछ हमारी जब ये फ्लो कर रहा होता है यहाँ से वाटर और यहां से स्टीम तो यहाँ पे एक बॉल होती है स्टील की मेटेलिक बॉल वो इस वॉल्व को बंद करके रखती है जो बीच का चैनल है ना मेटल ट्यूब ये मेटल ट्यूब है ये बीच में हमारी मेटल ट्यूब है तो इस मेटल ट्यूब को ये बॉल जो है वो बंद करके रखती है तो जब यहाँ से वाटर यहाँ से स्टीम जाता है तो ये वॉल्व जो है इसको बंद करके कर रखेगी लेकिन जैसे ही ये बर्स्ट होती है ये बर्स्ट होती है ये ब्रेक होती है ये ब्रेक होते ही क्या हो जाएगा यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ से स्टीम बाहर गिरने लगेगी यहां से वाटर बाहर गिरने लगेगा तो वो तुरंत क्या होगा जैसे यहां से स्टीम और वाटर बाहर जाएगा ये बॉल जो है इसके ऊपर से प्रेशर हटा भाई यहां से बाहर चले गए प्रेशर हटा तो यहां से क्या होगा ये बॉल जो है दोनों के दोनों जो है यह बॉल यहां पे आके टिक जाती है ये दोनों जो है वो बॉलों को यहाँ दोनों रास्ते बंद कर देती है तो मतलब अब यहाँ से और स्टीम नहीं गिरेगा यहाँ से और वाटर नहीं गिरेगा और फ्लो जो है वो इसके बीच में शुरू हो जाता है ये दोनों बॉल वहां से हट गई तो फ्लो डायरेक्ट यहां से शुरू हो जाता है देर में आप क्या करते हो इसको बंद कर देते हो दोनों को और वापस नया ग्लास यहाँ पे अटैच करते हो जब जब आपको देखना होता है तो वाटर के लेवल को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वाटर का लेवल कम हो गया तो वहां पे उसकी टैंक की हीटिंग होती रहेगी और टैंक जो है धीरे धीरे खराब हो जाएगा ठीक है तो यहां पे प्रॉपर इस वाटर लेवल इंडिकेटर का अपने आप में एक प्रॉपर मैकेनिज्म है कि कैसे काम करता है ठीक है ना तो इसलिए ध्यान इसलिए यहाँ पे ये हमें क्या करता है एक तरह से इंडिकेट भी करता है और सेफ्टी भी प्रोवाइड कराता है ठीक है कि वो वहां पे वो मैकेनिज्म इस तरह का है सिर्फ इंडिकेट नहीं कर रहा है उस फ्लो को रोक के सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहा है इसलिए यहाँ पे ये सेफ्टी में रहता है ठीक है ना समझ आई बात तो याद रखेगा वाटर लेवल इंडिकेटर का काम क्या है टू इंडिकेट दी लेवल ऑफ वाटर एंड स्टीम तो दोनों ही लेवल दिखाई देता है यहां पे। इट शोज शोज वर्किंग लेवल ऑफ वर्किंग लेवल ऑफ वाटर इन अ ड्रम ठीक है लेकिन ऐसा हो सकता है कभी कोई लापरवाही हो जाए जो और हम वाटर के लेवल को सही से ना जज कर पाए या ना देख पाए अगर ऐसा कुछ होता है और कहीं वाटर का लेवल गिर जाए और हीटिंग प्रॉपर होती रहे तो उससे भी बचने के लिए हम लोगों ने एक लगाया होता है फ्यूजिबल प्लग बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत पेपर में आता है क्योंकि आधे लोगों को इसकी वर्किंग समझ नहीं आती है तो इसलिए यह पूछा बहुत जाता है तो याद रखेगा फ्यूजिबल प्लग क्या है फ्यूजिबल प्लग हमारा एक डिवाइस होता है ठीक है जो हमारा कहा लगता है दो तीन क्वेश्चन है फ्यूजिबल प्लग प्लग के ऊपर ठीक है ना तो क्या होता है तो पहले मैं लिख दू इनकेस

ओवर हीट तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा ओवर हीट हो जाएगा सो सो टू अवॉइड ठीक है ओवर हीट हो सकता है मेल्ट हो सकता है डिफॉर्म हो सकता है थर्मली एक्सपेंड हो सकता है बॉयलर ड्रम जो है खराब हो सकता है तो बॉयलर ड्रम अगर इस तरह का कुछ हो गया तो आपका बहुत बड़ा खर्चा ये बैठ जाता है क्योंकि बॉयलर ड्रम रिप्लेस होगा फिर ठीक है ना तो अगर ऐसा ओवर हीट हो जाता है तो टू अवॉइड दिस इसको अवॉइड करने के लिए इस बॉयलर ड्रम को इस ओवर हीटिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं एक फ्यूजिबल प्लग लगाते हैं अवॉइड दिस अ फ्यूजिबल प्लग इज टू बी अटैच अब ये फ्यूजिबल प्लग बिल्कुल वैसा ही जैसे घरों में फ्यूज होता है कि मीन्स ओवरलोड आया कुछ आया तो फ्यूज क्या करता है उसे कट ऑफ कर देता है ठीक है ना सेम यहाँ पे भी वही है यहाँ पे क्या होगा जो आपका बॉयलर ड्रम होगा ये मान लीजिए आपका बॉयलर ड्रम है इस ड्रम के नीचे कंबेशन चैम्बर है ठीक है इस ड्रम के नीचे कम्बसन चैम्बर है तो कम्बसन चैम्बर तो हीट दे रहा है ठीक है पानी का लेवल यहाँ गिरा ओवर होने लग गई इसके मेल्ट होने से पहले कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये कट ऑफ हो जाए तो उसके लिए क्या करते हैं उसके लिए एक फ्यूजिबल प्लग यहाँ लग जाता है एक फ्यूज टाइप का लग जाएगा उस फ्यूजिबल प्लग के अंदर क्या होता है एक मोल्टन मेटल मतलब मेटल होता है उस फ्यूजिबल प्लग के अंदर एक प्लग समझो सिंपल एक कंटेनर डिवाइस टाइप का वो जो अटैच हो गया उसके बीच में सारा मेटल है वो मेटल किस तरह का होगा वो मेटल कुछ ऐसा होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा मतलब इसके मेल्ट होने से पहले वो मेल्ट हो जाना चाहिए तो मतलब जिस मटेरियल का आपका ड्रम बना होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम वाला हमारा प्लग होगा ठीक है ना तो प्लग का जो मटेरियल है याद रखियेगा प्लग में जो मटेरियल है इट्स मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल ऑफ टैंक ताकि जब ये होगा ओवर हीटिंग होगा उससे पहले यह मेल्ट हो जाएगा और यह सारा का सारा जो मेल्टन मेटल है वो कंबेशन चैम्बर पे गिर जाएगा समझ आ रही बात और यहां से जो है वो उसको कंबेशन चैम्बर को कट ऑफ कर देगा हमारे आगे ओवर के लिए और इंडिकेट भी कर देता है कि अब ये ओवरहीटिंग हो गई है तो याद रखिए सिंपल है कि याद रखिए इट कंटेन्स इट कंटेन्स मेटल हुज़ मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देस देन दिल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग ऑफ किसके मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल ऑफ ड्रम ठीक है बहुत लोग परेशान रहते हैं फिजियो प्लग को लेके ले ठीक है ना कि फिजियो प्लग कैसा है क्या होता है तो सिंपल समझिए बस एक समझ लीजिए जैसे ये है एक ढक्कन समझ लीजिए कोई भी एक कैप समझ लीजिए बॉटल की ठीक है ना कुछ भी कुछ भी एक कैप ढक्कन कुछ भी समझ लो चलो अभी यहाँ पे कुछ खास है नहीं तो कुछ भी समझ लो ये बॉटल का कैप समझ लो मान लीजिए ये बॉटल का कैप है तो ऐसा बॉटल का कैप जो है मैंने और इस बॉटल के कैप में जो अंदर खाली हिस्सा है इसमें एक मेटल भरा हुआ है बस तो ऐसा जो है ये सिंपली यहाँ अटैच हो गया ठीक है ना ये सिंपली जो है वो अटैच हो गया तो मेरा पानी का लेवल जो है तो पानी का लेवल वैसे ही गिरने लग गया पानी का लेवल जो है वो जैसे ही कम जाएगा इसकी ओवर शुरू होगी तो जैसे ही ओवर शुरू होगी ठीक है ना यहाँ पे क्या होगा ठीक है यहां पे क्या होगा टैंक की ओवरेटिंग होने से पहले ये मेल्ट हो जाएगा और ये सारा मेटल जो है वो नीचे गिर जाएगा तो इसलिए एक पॉइंट ये याद रखेगा और एक पॉइंट ये रखेगा इसकी पोजिशन क्या होती है इट इज ऑलवेज अबाउ दंबन चैम्बर ठीक है ना तो ये भी मैं पॉइंट बता दू यहां पे इट ऑलवेज फिट अवाओ दी कंबसन चैम्बर ऑलवेज फिट एबव दी कंबन चैम्बर तो ये दो तीन क्वेश्चन है जो इसके ऊपर आएंगे ठीक है ना हमेशा कंबशन चैम्बर से ऊपर ही ये हमेशा फिट होता है ये आगे. तो एक इसकी पोजिशन को लेके मैंने क्वेश्चन बताया एक इसके मेटल के मेल्टिंग प्वाइंट को लेकर क्वेश्चन बताया और एक इसका मेन फंक्शन बताया टू शट ऑफ टू कट ऑफ दंबशन टू कट ऑफ द कंबशन इन केस ऑफ ओवरहीटिंग ऑफ ड्रम तो फंक्शन क्या हो गया फिजिब प्लग इज यूज टू कट ऑफ द कंबशन इन केस ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ ड्रम पर सिंपल सा ये याद रखिएगा ठीक है ना सिंपल सा ये याद रखिएगा समझ आई बात नाउ नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग ये तो रही हमारी बॉयलर की माउंटिंग फॉर सेफ्टी अब आते हैं हम लोग बॉयलर की कंट्रोल में माउंटिंग फॉर कंट्रोल में तो एक तो सिंपल ही बच्चों प्रेशर गेज तो आप सभी को बताया प्रेशर गेज क्या है प्रेशर गेज हमारे क्या बता रही है प्रेशर गेज हमारा प्रेशर बता रही है ठीक है ना इंडिकेट वर्किंग प्रेशर इंडिकेट ऑपरेटिंग प्रेशर बोले इंडिकेट ऑपरेटिंग प्रेशर इंडिकेट ऑपरेटिंग प्रेशर तो ऑपरेटिंग प्रेशर को इंडिकेट करने वाली यह है हमारी प्रेशर गेज ठीक है ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ बॉयलर स्टीम स्टॉप वॉल्व तो बात स्टीम स्टॉप वॉल्व आपको सिंपल पता है स्टीम स्टॉप वॉल्व का क्या है स्टीम आपको कब चाहिए कब नहीं चाहिए तो स्टीम को आउट करना और स्टीम को रोकना जो है वो सब किसके हाथ में स्टीम स्टॉप वॉल्व नाम से क्लियर है स्टीम स्टॉप वॉल्व ठीक है ना तो यार रेगुलेट दी रेगुलेट अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड स्टीम ठीक है ना जितना स्टीम आपको चाहिए उस रिक्वायरमेंट को रेगुलेट करना बाय स्टीम स्टॉप वॉल्व सेम विद फीड चेक वॉल्व फीड चेक वॉल्व क्या है हमारा कि कितना आपको वॉटर डालना है तो वो हमारा फीड वॉटर जो है हमारा एंटर करेगा फीड चेक वॉल्व से तो सिंपल बोले चेक दी और ये सिंपल वॉल्व है बच्चों, जैसे बटरफ्लाई वॉल्व टाइप आप देखते हैं ना सिंपल वॉल्व या तो मोटराइज होगी या हैंड होगी इस तरह की हैंड वॉल्व जो होती है जैसे आपके घर में टैप्स होते हैं कुछ इस तरह के सिंपल ऐसा इस तरह से भी तो एक तरफ से फ्लो आएगा इसने बंद कर रखा है पूरा तो बंद कर रखा है इसे पूरा ठीक है ना और इधर से फ्लो चल जाएगा तो इस तरह की सिंपल वॉल्व हुई है ठीक है तो दैट इज कॉल्ड फीड चेक वॉल्व तो जैसे आपके पानी के ओपनर्स होते हैं घुमाने वाली वॉल्व होती है वही है बस ये ठीक है ना तो चेक दी अमाउंट ऑफ फीड वॉटर अमाउंट ऑफ फीड वॉटर ठीक है, इट चेक्स दी अमाउंट ऑफ फीड वाटर ठीक है तो जितना भी फीड वाटर अंदर जा रहा है उस अमाउंट को हमारे चेक करती है ठीक है ना सिंपल पूरा लिख लो चाहे गोइंग टू बॉयलर समझ तो गए ना बस बॉयलर अब बात है ब्लो ऑफ कॉक क्या है, तो मैंने बोला आपको बहुत बार पूछा था क्योंकि बाकियों में तो आप अंदाजा फिर भी नाम से लगा ही रहे हो ठीक है ना ब्लो ऑफ कॉक पूछा जाता है तो ब्लो ऑफ कॉक मैंने आपको बताया था कि जितना भी ड्रेन वाटर है उसको बाहर निकालने के लिए तो अलाउ दी अलाउ टू ड्रेन ऑफ वाटर ड्रेन ऑफ वाटर तो वाटर को बाहर निकालने के लिए हमारा ब्लो कॉक होता है और हमेशा बॉटम साइड में होगा ताकि वाटर जो है वो अंडर ग्रेविटी बाहर आ जाए ड्रेन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉयलर आप कह सकते हैं ठीक है मैन होल तो ऑब्वियस बात है टू एंटर मैन फॉर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग तो क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए आदमी को घुसने के लिए जो जगह चाहिए उसे मैन होल बोलते हैं जैसे सड़कों में होते हैं हमारे मैन होल भले ही उसे बोलते बोलते मेन होल आ जाते हैं मड बॉक्स तो ऑब्वियस बात है टू गेट आउट दी सेडिमेंट सेडिमेंट कलेक्टेड कलेक्टेड फ्रॉम वॉटर तो वॉटर से जो सेडिमेंट कलेक्ट हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग मड बॉक्स का यूज करते हैं समझ आई बात समझ आ रही बात नॉन रिटर्न वॉल मतलब होता है कि कोई भी चीज जो जा सकती है लेकिन वापस नहीं आ सकती उसे वन वे जो होती है मतलब एक बार वो ओपन है तो उससे फ्लो हो जाएगा लेकिन वापस नहीं आ पाएगा वापस आते हुए वो फ्लो बंद हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ठीक है ना समझ आ गई बात तो ये है हमारी डिफरेंट माउंटिंग्स एंड फॉर सेफ्टी एंड कंट्रोल तो मैं सामने से हट जाता हूं आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें लेकिन इतनी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है ठीक है ना समझ आ गई बात तो ये मेनली इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है चाहे हमारा सेफ्टी वॉल रही हो वाटर लेवल इंडिकेटर रहा हो स्टीम स्टॉप वॉल ब्लो ऑफ कॉक मड होल मड बॉक्स क्लियर है चलिए तो यहां पे बच्चों हम लोगों ने एक तरह से बोले तो बॉयलर का मेन काम जो है वो हम लोगों ने निपटा दिया है बॉयलर का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है बॉयलर्स के जो है हमने स्पेसिफिकेशन लिख ली है सभी बॉयलर्स की ठीक है ना माउंटिंग और सेफ एसेसरीज हम लोगों ने प्रॉपर लिख ली है अब काम है कि इस सबको आप एक छोटी सी शीट में डालें और कंप्लीट पूरा करें ठीक है ना कंप्लीट पूरा इसे लिख लें क्योंकि उसके बाद जो ड्रॉट वगैरह है वो इतने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है लेकिन अब आने वाले एस में इनसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं तो वो मैं प्रॉपर आपको कराऊंगा तो कल हम लोग इसका लास्ट टॉपिक लेंगे दैट इज ड्रॉट एंड हीट कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी बहुत बॉयलर में जो कैलकुलेशन आ सकती है पेपर में एस के हिसाब से उनको मैं कलेक्ट करूंगा ठीक है लेने को मैं अभी भी ले सकता हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और पेपर इस पर पे रिसर्च कर ली जाए ठीक है ना तो कुछ बेहतर के लिए हम लोग थोड़ा सा समय दें और कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या चीजें मुझे बतानी चाहिए इन जनरल ड्रॉट बताना बहुत आसान है ठीक है ना लेकिन थोड़ा सा पेपर के स्टेटमेंट्स के हिसाब से ड्रॉट में क्या पूछ सकता है या क्या स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए या फिर क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल सिंपल है कि वैपोरेशन रेट हमें जानना जरूरी है थोड़ा बहुत और चीज़ें भी जानना जरूरी है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको कल एक सेशन को करेंगे नहीं तो ये वैसे मेरे हिसाब से अभी जितना मुझे बताना है उस हिसाब से आधे घंटे का है लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इस पर और काम कर लेना चाहिए उसके बाद बात करते हैं तो चलिए कल हम बात करेंगे तो कल हमने थोड़ा लेट लिया था आज थोड़ा जल्दी लिया तो ये चलता रहेगा टाइम बाउंडेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच और मुझे कमेंट करके जरूर ये भी बताइएगा और ये यहाँ ना बताइएगा वहीं बताइएगा कि जो छोटे वीडियोज़ में डाल रहा हूँ जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो कितने आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे ठीक है ना क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए क्योंकि इन जनरल हम वैसे भी सोचें कि अगर मैं कोई प्रॉब्लम में फंसता हूँ कि यार ये क्या होगा तो किसी लेक्चर से उस प्रॉब्लम को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन अगर आप जस्ट गूगल में सर्च मारते हैं यूट्यूब में सर्च मारते हैं और वो सीधा उस उसी प्रॉब्लम पे बेस्ड वीडियो आपको मिल जाता है जो पांच सात मिनट में डायरेक्ट आपको वो प्रॉब्लम सुलझा देता है तो मेरे को लगता है वो ज्यादा फ्रूटफुल है क्योंकि लेक्चर पूरा पूरा उस लेक्चर का फायदा तो वही उठा सकता है जो रेगुलर लेक्चर को देख रहा है ठीक है ना लेकिन जो सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है तो आई थिंक वो ज्यादा बेनिफिट होगा इसलिए मैंने वो जो है शॉर्ट वीडियो सीरीज शुरू है जिसको मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ टॉपिक पे डालता रहूंगा ठीक है तो कभी ऐसी होंगी जिनको हमने बड़े लेक्चर में लिया है कभी ऐसी होंगी जो नहीं होंगी आपके लिए जैसे थर्ड लॉफ नया था ठीक है ना वो हमने लेक्चर में नहीं लिया है लेकिन कई बार छोटे छोटे लेक्चर से भी कुछ क्लिप्स हैं जैसे मैंने निकाल रखी है आदमी अपलोड करूंगा तो वो डालनी जरूरी है जैसे हमारा लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोनाइन में आइडियल गैस इक्वेशन देखा था तो वी ऑल नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन में कितना बड़ा कंफ्यूज होता है तो इस तरह के जो वीडियो हैं उनको सेपरेटली अलग से डालना जरूरी है ठीक है ना चलिए थैंक यू वेरी मच गाइस मिलते हैं दिन में नए ऑब्जेक्टिव्स के साथ बिल्कुल तैयार बैठेगा अच्छे से रिवाइज करके तो दिन तक सभी की जो है वो शीट्स बन जानी चाहिए ठीक है